और यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूबर भी हुए और यूट्यूब के माध्यम से काफी लोगों को मैं देखी है, और स्पिरिचुअल साइंस के छोटे छोटे कोर्सेस है वो समझाती हूँ, प्लस हीलिंग्स भी सेंड करती हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको जो भी चीज बताने जा रही हूँ कैंडल मैजिक, तो सबसे पहले तो ये मेरे बाय हार्ट मतलब दिल के बहुत करीब है। मैं सेशन में आपको जरूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से मैं कैंडल मैजिक को दिल से प्यार करती हूँ। और क्योंकि जब तक आप किसी से कनेक्टेड नहीं होगे ना, तब तक वो आपको कुछ फील नहीं कराएगा। और मुझे, मैंने जब इसको सीखा तो मैं इतनी कनेक्टेड हो गई, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि बिना प्रूफ के तो हम यकीन भी नहीं करते, तो उन घटनाओं को मैंने मोबाइल पे स्टोर कर लिया, और उसकी फोटोज भी मेरे पास है जो मैंने सर्च करके पूरी निकाली हुई, मैं आपको दिखाऊंगी एज अ प्रूफ कि जब हम इस चीजों को करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या अजीबो गरीबो चीज होती है, जिससे हमारा ट्रस्ट है ना बहुत पावरफुल हो जाता है, वही हमारी हील्स में हमको फायदा देता है। तो इसको जोड़िए, इसको सीखिए, और अभी जो मैं नॉलेज देने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए आप कि कैसे इसके पीछे का साइंस है। साइंस समझ में आएगा, लॉजिकल माइंड सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपका सारा नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझिए, शुरू करें आज भी हम कोर्स को, क्या जी या शिखा जी, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगा? कीजिए। और बड़ी बेकरारी हल हो गई बीच में। इवन मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैजिक बहुत देखे हैं, कैंडल मैजिक का और क्या मैं सवाल है। कनेक्टेड हूँ, मुझे भी मतलब अपने अनुभव जब मैं बताती हूँ ना, क्योंकि तो ये फोटोज मैंने 5 साल से संभाल के रखी है, स्क्रीनशॉट की फोटोज को निकाल के लेमिनेट करके मैं जिंदगी भर इनको संभाल के रखी हूँ। मुझे ये बताने में बड़ा मजा आता कि मेरे साथ ये अनुभव हुए, और आप लोग भी चौंक जाएंगे देखकर कि अरे ऐसा भी हो सकता है, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये चीज पॉसिबल है। लेकिन जो अनुभव मुझे इसमें हुए ना, मैं ऐसा लगता कि कब जल्दी से उसको शेयर कर दूं। ये जरूर, और ये दूसरी चीज, टेस्टिमोनियल होने कई साल चाहिए, ये टेस्टिमोनियल से, होने हाँ चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये दिखाने के लिए उत्साह बढ़ता है लोगों का ना, कि अगर वो बिल्कुल बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं तो बिल्कुल, हम क्यों नहीं। आप उस एनर्जी को मेरे फेस पे देख पा रहे हो कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपने अनुभव को, जो मतलब फीलिंग मुझे आई वो मैं लोगों को बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसा होता है, आप यकीन करिए ऐसा होता है। और 1 साल से हम इस वर्कशॉप को करने की प्लान कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने कैंडल मैजिक रिचुअल्स किया कि जो मैं वर्कशॉप करने जा रही हूँ उसके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो डिले क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा कि अब चलो ये करना ही पड़ेगा, तो मैंने वाकई में कैंडल मैजिक्स की कि मेरी वर्कशॉप को जो मुझे ग्रोथ करनी है उसके ब्लॉकेजेस हटे। तो कैंडल मैजिक कुछ ही समय किया है, 8 से 10 दिन, और ये वर्कशॉप भैया ने मेरा फाइनल कर दिया कि चलो इसको हम करते हैं। तो एक मैजिक तो यही हो गया कि इस वर्कशॉप के बीच जो प्रॉब्लम्स आ रही थी धीरे धीरे कहीं कुछ तो वो खत्म हो गई, एक प्रैक्टिकल्स तो यही हो गया, ठीक है ना। अब हम अपनी वर्कशॉप को शुरू करते हैं, कैंडल मैजिक, मोमबत्ती और जादू, ठीक है। जादू क्या? वो चीज जो हम चाहते हैं करना, वो कोई भी रास्ते से हो जाता है, उसके कोई रास्ते नहीं बनते, लेकिन हो जाता है तो हमें क्या लगता है जादू हो गया? जादू नहीं, जादू के पीछे साइंस होता है कि किसी भी चीज को जब आप करते हैं आपका ट्रस्ट होता है उस चीज पर, तो वो चीजें घटित होने लगती है। उसके पीछे का साइंस हमको समझ नहीं आता, हम कहते यार जादू हो गया, ये तो पता नहीं कैसे हो गया। हमें यही समझना है कि चीजें पीछे से वर्क कैसे करती है, ताकि आपको ये साइंस लगे ना कि जादू, क्योंकि तो हमें जादू पे बिलीव नहीं करना। हम एक आज के समय के युग के लोग हैं, तो हमें साइंस समझना है ताकि हम सामने को साइंस वाली चीज से समझा सके कि ये पूरा एक साइंस है, ये पूरा एक रूल्स है, ये पूरा एक तरीके से मेजरमेंट है, इसके हिसाब से करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये कैंडल मैजिक कहाँ से शुरू हुआ? पहले जब लाइट नहीं होती थी तो लैंप जलाए जाते थे, कैंडल्स और दीपक, उसी से रोशनी की जाती थी। तो जापान है, चीन है, इंडिया से पुरानी जगह है, और खासकर जो क्रिश्चियन है उन लोगों ने कैंडल्स को बर्न करना शुरू किया सिर्फ अंधेरे को भगाने के लिए। तो वहीं से ये टूल्स आया लाइफ में कि इसके माध्यम से हम अपनी विशेष को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी पूरा कर सकते हैं। वो अंधेरे को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उसके सामने यदि हम कुछ बोलते हैं तो वो पता नहीं कैसे पूरा हो जाता है, तो वहीं से एक कैंडल मैजिक का पूरा जो थ्योरी है ना वो हमारे सामने आया। अब वो आया कैसे कि बहुत सारे लोगों के पास दीपक नहीं थे, तो वो लोग जो थे क्रिश्चियन लोग वो कैंडल्स को यूज करते थे, कैंडल्स को बर्न करते थे। तो लोगों ने देखा कि यार इससे मेरा ईश्वर से कनेक्शन बड़ा जल्दी हो रहा है, तो क्या किया जाए, किस तरीके से इसको पूरा बनाया जाए कि हमारी विश जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए और हम हीलिंग्स और अदर चीजों को कर पाए। तो वहीं से इजाद हुआ
लोगों की मतलब उसके की जरूरत है, जरूरत होती है तो आविष्कार अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये वहां से सारी थेरेपी है जो बनती है। अब बात ये आती है कि कैंडल्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, और आप सभी को पता है हमारे चक्रास में कलर है, यूनिवर्स में कलर है, तो कलर्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। पर्टिकुलर कलर के साथ हम जब वर्क करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी अलग काम करती है। और दूसरी चीज कैंडल्स के साथ ये है कि कैंडल्स में सबसे पावरफुल चीज होती है अग्नि तत्व। अब अग्नि क्या करती है, अग्नि में एक गुण है कि अग्नि जो फायर एलिमेंट होता है वो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई करके इसके जो अणु है परमाणु है उसको बड़ा रहता है तो उसको छोटा 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 करके और उसको ब्रह्मांड में समर्पित कर देता है। तो जैसे सपोज करिए कि कोई लाल मिर्च है, उसको हम नॉर्मली रख देंगे तो वो पूरे वातावरण में स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन यदि हम उसको अग्नि में डाल देते हैं तो आप देखिए दूर दूर तक उसकी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, और हमको पता नहीं बहुत अनेजी लगता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे वातावरण में फैल चुकी है। जब हवन किया जाता है तो हवन में भी हम जड़ी बूटियां डालते हैं, तो ऐसे नॉर्मल जड़ी बूटी यूज करेंगे उसका बेनिफिट्स कम होगा, लेकिन जैसे ही हम उसको हवन में डालते हैं वो जड़ी बूटियों की पावर्स, स्मोक, खुशबू पूरे वातावरण में फैल के ऑरा क्रिएट करती है। तो अग्नि क्या है, हर चीज को नीचे से पकड़कर ऊपर ब्रह्मांड में भेजती है, और बहुत ही बिल्कुल महीन चीजों में अणु में परमाणु में जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ही पावरफुल हो जाती है। जितना महीन कण होगा उतना पावरफुल होकर वो यूनिवर्स में जाएगा। एक तो ये तरीका है अग्नि को पावरफुल बनाता है, इसीलिए ये कैंडल मैजिक वर्क करती है। और दूसरी चीज क्या है, सपोज करिए आप खाना बनाते हैं, तो जब आप खाना बनाते हैं तो आप क्या पका रहे हैं, ये दूर दूर तक लोगों को खुशबू चली जाती है। क्या? अग्नि जो है वायु के माध्यम से जो एनर्जी है उसको फैलाती है, तो यहाँ वायु का भी रोल हो जाता है। तो इस तरीके से अग्नि जो है चीजों को मल्टीप्लाई करती है, इसीलिए कैंडल मैजिक बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, ये तो आपको लॉजिक समझ में आ गया, अग्नि तत्व मैंने इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइंस को समझना है, तो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, प्रकृति में भी पंच तत्व है, पेड़ पौधों में भी पंच तत्व है, हर चीज में पंच तत्व है, तो इस कैंडल्स में भी पंच तत्व है, इसलिए ये पावरफुल बन जाती है। अब इसमें पंच तत्व तो कहाँ से है भाई, हमें ये समझना है। पृथ्वी, तो ये इसका जो स्टैंड है नीचे का, और ये जो आपको देख रही है फिजिकल ये चीज इसको टच कर पा रहे हैं, ये हो गई पृथ्वी। अब हम जिसको बर्न करेंगे यहाँ पर तो इसमें आ जाएगा अग्नि, ठीक है ना। अब ये जब पिघलेगी ये मेल्ट होगी तो वो क्या बन जाएगा, आपका वाटर एलिमेंट द्रव। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि। अब वायु क्या है, जब इसको बर्न करोगे ना आप, इसमें से स्मोक निकलेगी, स्मोक वायु तत्व को ले जाएगी। अब इसमें आती है आपका आकाश तत्व या स्पिरिट, आप कुछ भी कह लो। आकाश तत्व क्या है, जब आप इस पर अपनी विश लिखेंगे ना, अपनी इंटेंशन डालेंगे इसमें रेकी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने विश के माध्यम से ऐसे कर, तो वो जो विचार है जो आपकी विशेष है ना वो बन जाती है यहाँ पर आपकी स्प्रिट या आकाश तत्व। तो पंच तत्व इसमें समाहित हो गए, इसीलिए इसको पंच तत्व के माध्यम से हम अपनी विश को सीधे यूनिवर्स में भेजते हैं, क्योंकि वो विश में भी इसके माध्यम से पंच तत्व समाहित हो जाते हैं। और चीजों में जब हम हीलिंग्स भेजते हैं तो उसमें पंच तत्व उतने अच्छे से ऐड नहीं हो पाते, तो जैसे मैं रेकी हीलिंग्स करती हूँ उसके साथ कैंडल्स को बर्न करके पंच तत्वों को ऐड करके फिर हीलिंग्स एंड करती हूँ, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और थोड़े फास्ट भी आ जाते हैं। अब कैंडल्स के साथ क्या किया जाता है, अब पंच तत्व जहां कैंडल्स को बर्न करते हैं वहां एक ऑल्टर बनाया जाता है या एक वेदी बनाई जाती है, वहां पर्टिकुलर जगह पर भी पंच तत्व को स्थापित करते हैं। वो जब क्लास आएगी तब मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी पानी किस दिशा में रखना है, आपको कैंडल्स अग्नि को किस दिशा में बर्न करना है, वायु के लिए आपको जो धूप है ना वो कहाँ जलाना है, और साथ में आपका इंटेंशन जो आप विश स्टेट इसमें बनाएंगे ना जो सर्कल कास्ट करेंगे उसको भी थोड़ी देर के लिए किस जगह पर रखना है, तो हम जो सेटअप जमाएंगे ना वहां पर भी हमें पंच तत्व स्थापित करना है, ठीक है ना। और कुछ सिंबल्स बनाते हैं तो उसके ऊपर जब कैंडल्स बर्न करते हैं तो वो भी एनर्जी देता है, प्लस जब हम कैंडल रिचुअल्स करते हैं ना तो साथ में कुछ जड़ी बूटियों को भी ऐड करते हैं कैंडल्स के ऊपर भी, और जहां आप जो सर्कल्स वगैरह ये सब सेटअप जमाते हैं जो ऑल्टर है उस पे भी, तो ये पावर्स क्या होती है और ऐड होती जाती है। क्रिस्टल्स भी, जड़ी बूटियां भी, इसके ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो ये सारा कुछ ऑयल्स भी आते हैं, एसेंशियल ऑयल, चक्रा ऑयल्स और कई प्रकार के ऑयल्स भी बनते हैं, उस ऑयल्स को इस कैंडल्स पे लगाकर इसको ऑइंट किया जाता है।
पूरे तरीके से उस जल तत्व को इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। तो उसकी पावर, तो आप देखिए कैंडल्स के साथ चार पांच चीजों को हम ऐड करते हैं तो इसकी पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। हर्ब से, जड़ी बूटियों से, ऑयल से, ऑल्टर से, सिंबल से, ठीक है ना। तो आपको आप देखिए, और अग्नि तो है, पंच तत्व तो है ही, तो आप सोचिए कि एक कैंडल्स में आप कितनी सारी चीजों को ऐड कर रहे हो, और साथ में आप जो अपॉर्चुनिटीज जानते हो, चाहे एनिमल टोटम हो, चाहे रेकी हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप उसको भी ऐड कर लोगे, सिंबल्स है, तो आप सोचिए कि इसकी पावर्स कितनी गुना बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हो इतनी सारी चीजों के साथ कैसे हम इसके साथ वर्क करते हैं। अब बात ये आती है कि कैंडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। कैंडल्स का प्रयोग करने के लिए अलग अलग कलर की कैंडल्स आती है, ये देखिए जैसे कि मेरे पास अभी ये तीन कलर की कैंडल्स है। तो हम जब इसको समझ लेते हैं, सेटअप जमा लेते हैं कैसे कैसे करना है इसको, तो उसके बाद सबसे पहले हम कलर चूज करते हैं। जैसे किसी को सपोज मनी की प्रॉब्लम है ना, मनी की ब्लॉकेज हटाना है, मनी की हीलिंग करनी है लाइफ में, मनी अट्रैक्ट करना है सक्सेस, तो ग्रीन, सबको पता है ग्रीन कलर मनी को अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम चुनाव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रीन। यदि आपको कोई चीज फास्ट करनी है, यदि आपको कोई लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पिंक या रेड। अब पिंक रेड का भी अलग अलग वर्क है, लव और रिश्तों के लिए दोनों यूज होती है पिंक और रेड, लेकिन रेड का अलग वर्क है, पिंक का अलग वर्क है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा रिश्ता है, प्रॉब्लम्स उस रिश्ते में क्या है, उसके हिसाब से रेड चूज करना है या पिंक करना है, ठीक है। सफलता, जॉब, कोई भी चीज को बढ़ाना है, गुड लक को अट्रैक्ट करना, आपको लगता है कि कोई चीज नहीं बनती, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, तो गोल्डन। गोल्डन कलर क्या होता है, आपको लक अच्छा देगा, पैसा भी देगा, सफलता, तो गोल्डन। अब ये कलर्स का आपको समझ आ गया, और कुछ नहीं मिलता है तो व्हाइट कलर, नॉर्मली कोई कलर नहीं है आपके पास, आपको करना है रिचुअल्स, तो आप व्हाइट कलर सब में ले सकते हैं। जैसे क्लियर पॉट्स, सारे क्रिस्टल्स अपना कुछ नहीं है तो क्लियर पॉट्स को यूज कर ले, वैसे कुछ नहीं है तो व्हाइट कलर की कैंडल। तो ये कलर्स आपको समझ में आ गया कैसे हम कलर्स का चुनाव करेंगे। अब यदि हम सिंपल सा समझे कि अब आपने सपोज करो मनी के लिए रिचुअल्स करना, कि कैंडल्स आपके पास है, आप इसको क्या करेंगे, आप कैसे यूज करेंगे। इसके ये तरीके हैं कि वैक्सिंग मून और वेनिंग मून, मीन्स जब चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे 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 ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको वो विशेष लेनी है जो आपको ग्रो करानी है, मीन्स बढ़ाना है लाइफ में, पैसा बढ़ाना है ना आपको, कम तो करना नहीं है। तो जब हमारा मून है वो धीरे धीरे अमावस्या के बाद, न्यू मून, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो वो विशेष पूरी करते हैं हम इसके माध्यम से जो बढ़ानी है लाइफ में। अब जब चंद्रमा धीरे धीरे आपका कम होता चला जाता है, अमावस्या की तरफ बढ़ता है, उसमें हम वो वाली विशेष लेते हैं जो आपको लाइफ से धीरे धीरे कम करनी है। चंद्रमा की कलाएं कम होती है तो वो चीज हमारी लाइफ से जाती है, और चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो हमारी चीज में वो चीज बढ़ती है। चंद्रमा मीन्स आपका माइंड, मून तत्व जो आपके ब्रेन पे वर्क करता है, तो हमें अपने ब्रेन पर वर्क करना है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो बढ़ती हुई चीजों के लिए, और जब घटता है और घटते घटते अमावस्या आ जाती है, तो उसके बाद जो आपके 15 दिन है उसमें आप कम करने वाली चीज है, गुस्सा आता है कम करना है, ब्लॉकेजेस है कम करना है, नेगेटिविटी है कम करना है, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है उसको लाइफ से हटाना है, बीमारी है उसको हटाना है ना, कम करना है। तो सारी चीजें कम होती है तो मून्स के साथ हमें चलना होता है तो ज्यादा पावरफुल होता है। और यदि कोई अर्जेंट नीड है तो फिर हम कभी भी एज अ डे के हिसाब से कर सकते हैं, और डे भी नहीं, आपको डे भी नहीं रुक पा रहे हो कि सैटरडे को करना है हमको नेगेटिविटी रिमूवर, अब प्रॉब्लम्स तो अभी है, और आज मंडे है, सोमवार है, आप सैटरडे तक तो वेट नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम अपना इंटेंशन डालेंगे कि है ईश्वर मुझे अभी इसी वक्त अर्जेंट इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, तो हम सेंट स्पेक्टेक्युलर रिचुअल्स करेंगे अर्जेंट नीड के लिए। तो वो कोई मान नहीं लगता कि आपका मूड बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या है कि डे है, कुछ नहीं, आपको तुरंत वो चीज कर लेती है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास ईश्वर ने देके रखा है। बट यदि आप हीलर हैं या आप अपनी विश को चाहते हो, कोई अर्जेंट नीड नहीं है, तो आप प्रॉपर टाइम लीजिए। बढ़ते हुए चंद्रमा के साथ बढ़ती हुई चीज है, घटते हुए चंद्रमा के साथ आप जो चीजें हटानी है, घटानी है, निकालनी है, उनको कर लिए। अब ब्लैक कलर की कैंडल्स का यूज करते हैं हम निगेटिविटी के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान को निगेटिविटी हटानी है, तभी तो हम गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी क्लिंजिंग के लिए, किसी क्लाइंट की क्लिंजिंग के लिए आप ब्लैक कलर की कैंडल्स को बर्न करेंगे। और कहा यह जाता है कि ब्लैक कलर की कैंडल निगेटिविटी को हटाती है, तो कोशिश ये करते हैं कि इसको हम बाहर बर्न करें, या तो कोई टेरिस पर, या तो कोई
आपकी गैलरी पर या कोई विंडो है उसके पास बर्न करें तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है। यदि किसी के पास ऐसा कोई भी वो जगह नहीं है, उसको रिचुअल्स करना है, तो वो पर्टिकुलर सिंबल्स के अंदर ब्लैक कलर की कैंडल्स को रखेगा और चारों तरफ क्या डाल देगा, नमक, साल्ट, क्योंकि साल्ट के घेरे पर जब ब्लैक कैंडल्स को आप जलाएंगे ना तो नेगेटिविटी वहीं अंदर रहेगी। और साइड में एक कटोरे में पानी, उसमें भी नमक डाल दीजिए, ब्लैक टर्मोलाइन रख लीजिए कि सारी नेगेटिविटी जो कैंडल से निकल रही है वो आपके पानी वाले कटोरे में जा रही है या और जो सर्कल है उसी के अंदर रह जा रही है। आप एक बार ये चीज है ईश्वर से कह दें कि सारी नेगेटिविटी यही इस पानी में आ जाए या ब्लैक टर्मोलाइन में आ जाए या सर्कल के अंदर ही रहे, तो आप घर के अंदर भी इस तरीके से सेटअप जमा के कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा डिटेल्स अपने वर्कशॉप में देते हैं। तो हर चीज का उपाय है, कोई ऐसा रूल्स नहीं कि आप बाहर नहीं जला सकते तो आपको ब्लैक नहीं जलाना, ब्लैक का तो यूज करना ही है। नेगेटिविटी को हटाओगे तभी पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, ये मैंने अभी आपसे सिंपल कैंडल्स की बात की। अब इससे हम जब एडवांस लेवल में जाएंगे ना तो क्या करेंगे, अब एक चीज और, अब जैसे कि आपने ये ग्रीन कलर का रिचुअल्स करना मैंने बता दिया, बढ़ते हुए चंद्रमा या घटते हुए चंद्रमा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको पहले हमको तैयार करना रहता है, ये कहीं से भी आती है, बॉक्स यहाँ पड़ा है अमेजोन से या कहीं से हम बुलाते हैं तो कई लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसने इसको बनाया है उसके थॉट्स क्या चल रहे थे वो सब इसके अंदर है। तो जब ये आती है तो उसको क्लींस करते हैं हम रेकी से या अपने विचारों से या व्हाइट लाइट से। क्लींस करने के बाद फिर ऑयल्स लगाते हैं, तो ऑयल्स लगाने का भी तरीका होता है कि बाहर लगाना है कि अंदर की तरफ लगाना है, ये भी एक तरीका है, ये भी आप डिटेल्स में समझेंगे। अब इसको विश को कैसे लिखना है, बाहर की तरफ लिखना है कि नीचे की तरफ लिखना है, ये भी पूरे रूल्स आते हैं। अब ऑयल्स कैसे लगाने, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑयल उठाया और लगा दिया, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पेशल ऑयल्स बनते हैं या हम मंगवा के उसको लगाते हैं, तो वो जो ऑयल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस पर कौन सा ऑयल लगेगा। अब इसकी पावर्स बढ़ानी है तो कौन सी हर्ब्स है जिसको हमको पीस कर क्रश कर कर इसके ऊपर हमें लगाना है ताकि हमारी एनर्जी बढ़ती जाए। तो इस तरीके से पूरी कैंडल्स को हमें क्या करना रहता है, पहले तैयार करना होता है अपनी विश फुलफिल करने के लिए। जब आप इसको पूरा तैयार कर लेते हैं फिर हम अपना सेटअप जमाते हैं कि हमको सिंबल्स बनाने हैं या पंच तत्व का करना है या सिंपल रखना है कि सर्कल में करना, वो हम फिर डिसाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या आपको टाइम कितना है, आपके पास जल्दी जल्दी करना है तो हम छोटा सा सेटअप जमा के फटाक से अपना रिचुअल शुरू कर देंगे। अभी कितने दिन तक चलाना है ये भी मैटर करता है, अब आप ये कर तो रहे हैं एक दिन छोड़ देंगे क्या जलाकर, नहीं, एनर्जी के लिए धीरे धीरे क्रिएट करना है, एक दिन में चीजें नहीं होंगी। अब 7 डेज 11 डेज 21 डेज ठीक है ना, इस तरीके से हम ये लगातार बर्न करते हैं। कुछ लोग एक दिन में करना चाहें तो पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन या शुक्रवार फ्राइडे का दिन मनी के लिए अच्छा होता है, तो हफ्ते में एक बार करें, लेकिन रिपीटेड हफ्ते होने चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और लगातार करेंगे ना तो वो आपको जल्दी फायदा देगी और एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। तो ये आपके डेज के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मतलब अभी शॉर्ट में बताया, क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये बात आती है कि सिंपल कैंडल से हमें रिचुअल्स कर दिया, कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स है उसको आपको बहुत अच्छे से हील करना है या अपनी लाइफ में बहुत जल्दी से रिजल्ट देने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिगर कैंडल्स। फिगर्स कैंडल्स को मैं दिखाती हूँ कैसी होती है, देखिए फिगर कैंडल्स मींस आपके शेप बने होते हैं पर्टिकुलर चीज का, सब कहाँ मिलता है मैडम, ये देखिए दिख रहा है, इसको बोलते हैं शेप कैंडल। और एक ये है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, ये देखिए स्पेल्स, ये सेम कैंडल है। ये कब यूज करते हैं, जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है तो आप सिंपल कैंडल्स बर्न कर रहे हैं, बीच बीच में आपको ये सेम कैंडल्स भी बर्न करना है रेगुलर बेसिस पे। ये गॉड गॉड की होती है कैंडल या एनी फिगर, मतलब कोई लेडीज ये ओनली गॉड की फिगर बनी होती है या कुछ भी लेडीज वगैरह किसी की भी बनी होती है, ये जो फिगर दिखाई है मैडम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए इसको हम चूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अभी हम समझ लेते हैं मैडम, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे। ओके ओके, ये फिगर कैंडल्स है, ये पर्टिकुलर जैसे ये है तो ये फिगर कैंडल्स क्या है, ये दोनों दिख रहा है ना आपको स्टैचू, मींस लव रिलेशनशिप या कोई की डिवोर्स होने वाले हैं, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो उसके लिए पिंक कलर चूज करेंगे और हम कपल कैंडल्स लेंगे। तो ये हमको स्टैचू से ही समझ में आ रहा है कि इस कैंडल्स को हमें कहाँ यूज करना है, ये तो नॉर्मल सा हमको देख के ही समझ में आ जाएगा। अब इसको भी हम जैसे हमने नॉर्मल कैंडल्स को तैयार करते हैं उसी तरीके से इसको भी हम तैयार करते हैं, बट ये है कि जो शेप्स है ये कहाँ वर्क करता है,
आपके सब क्वालिटीज में, मतलब यार दोनों के रिश्ते बचाने हैं, इसलिए अभी नहीं सेंड करा। जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको वो दोनों पर्सन याद आएंगे ना, उनका नाम भी हम लिखेंगे, उन दोनों की एनर्जी को भी यहाँ बुलाएंगे, उनकी फोटो को भी यहाँ पर इमेजिन करेंगे, तो आपका ब्रेन कितने अच्छे से इमेजिनेशन कर पाएगा फीलिंग्स के साथ, तो आपकी एनर्जी तो पावरफुल जाएगी ना इनके लिए, तो आपकी हीलिंग्स क्या हो जाएगी पावरफुल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई ये फिगर्स है और दोनों पास आ रहे हैं, उनके रिश्ते में मिठास आ रही है, तो ये जो फिगर्स कैंडल होती है ये हमारे सबकॉन्शियस को कनेक्ट कर पाती है और हमारी इमेजिनेशन और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कर पाती है। अब वही मैं कभी ये दो कैंडल ले लू, अब आप खुद अंतर करिए, ये इस तरीके से है, ये इन दोनों कैंडल से भी आप कपल्स की हीलिंग्स कर रहे हो, तो क्या इसमें फीलिंग्स आ रही है देख के कि दोनों के रिश्ते अच्छे हो रहे? नहीं आ रहे ना, लेकिन आप इसको जलाते हैं इनकी जगह, तो क्या फीलिंग्स देखिए आपकी कैसी आ रही है, इमेजिनेशन कैसी आ रही है, आप खुद अंतर कर पा रहे हो। यदि ये नहीं है तो दो कैंडल्स भी हम जला सकते हैं, एक मेल एंड एंड फीमेल दोनों को साथ में, यदि ये नहीं होती तो हम इस तरीके से बर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें फीलिंग्स उतनी नहीं बेटर है जितनी इस वाली कैंडल्स में, इसलिए फिगर कैंडल्स का एक अपना रूल्स है। अब ये तो हो गई रिश्तों की बात, अब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में है कोई लेडी, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉब्लम्स के लिए हम ये 21 दिन हीलिंग करने वाले हैं, तो ये दो तीन स्टेचू इसमें लग जाएंगे ना, तो पर्टिकुलर बीमारी या उसके ब्रेन में है ये है, कोई भी बीमारी है, तो उसको हील करने के लिए हम एक फिगर ले लेंगे लेडीज का और इमेजिन करेंगे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, या हेडेक होता है, या निगेटिव थिंकर है, कोई भी हीलिंग्स है, तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति को इन्वोक करेंगे और इसको हम बर्न करेंगे, यानी कि वो चीज हट रही है। रेड कलर लक के लिए कोई इंसान है वो बहुत ही नेगेटिव है, आप चाहते कि उससे रिश्ता अच्छा बने, तो उस लेडीज को हम रेड कलर की हीलिंग भेजेंगे इस फिगर में, उस इंसान को आप अच्छे से देख पाओगे ना, तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, ये फिगर कैंडिडेट्स वहां यूज होती है। अब जैसे किसी इंसान को कुछ मैसेज भेजना है या उसकी ब्लैक एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जीज है या कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, तो हम ये वाली कैंडल्स लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है दिमाग पे, या कोई ब्लैक एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारा ब्रेन इसको देखकर समझ लेगा। किसी के ब्रेन में कोई बात बिठानी है तो हम उसके सिर पे हीलिंग दे रहा है, इसका मतलब सिर पे वो विश लिखेंगे कि तुम बहुत पॉजिटिव सोचते हो, तो उसके ब्रेन में हीलिंग जाएगी, तो हमारा ब्रेन समझ पाता है इसको देख के कि भाई ये उसका सिर है, तो हमारा पूरा फोकस उसके सिर पर है, उसके विचारों पर, विचारों को हील करना थोड़ा सा टफ होता है, किसी के विचारों को चेंज करने में थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ये वाला जब हम उसको बर्न करते हैं ना, तो उसके विचारों को चेंज करने में थोड़ी सी हमारी क्या है सहायता हो जाती है, थोड़े से हमें जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलते हैं। तो ये ब्लैक एनर्जी हो गया, नेगेटिव एनर्जीज हो गई, किसी के ब्रेन में किसी के सिर के प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डिसीज है इसमें इस पार्ट में, उसको लेके हम ये देखिए स्कल्प कैंडल का यूज करते हैं, कि हमारा ब्रेन देख पा रहा है कि फेस है उसकी, आईज में प्रॉब्लम है, टीथ में है, नोज में है, ईयर में, जितना भी पार्ट इसमें दिख रहा है ना, वो सारी डिसीज को आप प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं, प्लस ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी घर की भी इंसान की भी। अब ये आपको फिगर कैंडल समझ में आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो फिगर कैंडल है वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो वो भी हम समझेंगे कि हमको कैसे अपने सेटअप जमाना है, कि हम मतलब 11 दिन फिगर ना जला के एक दो दिन उसको हम ऐड करें और बाकी सिंपल कैंडल्स बर्न करें। अब कोई की प्रॉब्लम बड़ी है, 21 दिन आपको हीलिंग देनी है, तो उसके लिए आता है पिलर कैंडल, ये बहुत दिनों तक चलेगी, आपको बार बार नई नई कैंडल्स को बर्न नहीं करना पड़ेगा, एक बार इसको तैयार कर लो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए 21 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए, जैसा आपको चाहिए समय, उसको तैयार करने के बाद उसके लिए डेली इसको जलाएं, पर्टिकुलर समय डिसाइड करें, या तो 30 मिनट 45 मिनट जितना देर आप डेली हीलिंग्स भेजते हैं, ठीक है ना। और इसको जब हम बुझाते हैं तो कैंडल्स में एक रूल्स है कि कभी भी फूक नहीं मारते। अब फूक क्यों नहीं मारते, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, हमारी एनर्जी यदि हम इस पे फूक मारेंगे तो वो यहाँ चली जाएगी, तो दो एनर्जी मिक्स हो जाएंगी और हमें अपनी एनर्जी इसमें मिक्स नहीं करना है, इसलिए कभी भी फूक मार के कैंडल्स को नहीं बुझाना है, कोई भी कागज से या किसी भी टूल से आप इसको बुझा दीजिए। और एक कैंडल यदि किसी के लिए आपने तैयार कर ली तो वो एनर्जी उससे कनेक्टेड है, तो आप इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, मतलब इतनी बच गई, उसकी हीलिंग खत्म हो गई, रिजल्ट्स मिल गया या बंद हो गई या कुछ भी हो गया, अब इतना बचा अब क्या करोगे उसका, फेंक दोगे? नहीं, आपने सोचा मैं दूसरे के लिए यूज कर लूं, प्रॉब्लम भी वही है, लेकिन नहीं, ये उस व्यक्ति से कनेक्टेड है, हम इतना कर सकते हैं
कि इस वाली चीज को क्लीन कर कर हम यूनिवर्स को समर्पित कर सकते हैं। जो सारे रिचुअल्स करते समय एक कैंडल्स आपको यूनिवर्स के लिए भी जलाना है, अपने देवताओं के लिए भी जलाना है कि ये जो कैंडल्स की एनर्जी है ये यूनिवर्स में जा रही है, सारे लोगों के लिए जा रही है, सबकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो कर रहे हो, लेकिन साथ में हम एक और कैंडल्स बर्न करते हैं, चाहे ऐसी वाली हो कोई भी कैंडल्स, वो हम यूनिवर्स के लिए जलाते हैं। तो यदि आप पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए खत्म हो गई ये बच रही है, तो इसको क्लीन करकर सब एनर्जी को हटाकर यूनिवर्स को समर्पित कर दो, तो यूनिवर्स तक जा सकता है। तो पर्टिकुलर व्यक्ति में ये कैंडल्स कभी यूज नहीं होगी, ये बात को भी हम मतलब डीपली समझेंगे। अभी शॉर्टकट में सारी चीजें मैं समझा रही हूँ, ठीक है? इतना सबको क्लियर हुआ है आई थिंक। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट का इतना जितना समझा है उसके हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? सर एक एक करके क्वेश्चन पूछना है और टाइम बहुत है हमारे पास, तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। मैं म्यूट नहीं कर रहा सब, अभी आप ओपन है, अनम्यूट कीजिएगा और पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। सर ये बर्न करके पानी में दिखाइए ना, इसकी कैसे फिगर्स बनते हैं? क्यों सर इसको मैडम साउंड थोड़ा सा आपका स्लो आ रहा है मैडम। हाउ टू रीड दिस कैंडल बर्निंग, नो पानी में इसको डाल के दिखाए ना फिगर कैसे आता है इसमें, बिकॉज हाउ रीडिंग का माइंड है ना, अभी अभी जो समझाया है उसके ऊपर से क्वेश्चन कर लीजिए। कैंडल से हम ना रीडिंग्स भी करते हैं, हाँ, उससे हमको थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में कुछ मैसेज आता है। हाँ, वही वही वही, हाँ, तो आगे करेंगे ना अभी हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम ये फिगर वाली कैंडल्स मार्केट में मिल जाती है आराम से? हाँ बहुत अच्छे से, नहीं तो मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा सब आपको। मैम यू आर फ्रॉम दिल्ली? मैं ऑयल से बनाती हूँ। और सुनिए कैंडल्स भी अलग अलग प्रकार की आती है, इसका वैक्स जो है ना वैक्स के अकॉर्डिंग कैंडल्स आती है, इसमें हर्ब्स भी डलती है कुछ कैंडल्स में, और इसका जो वैक्स है ना वो थोड़ा डल रहेगा ना तो अच्छे से हीलिंग्स नहीं जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यदि कैंडल्स यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी हो, वैक्स अच्छा हो, उसके अंदर थोड़ी हर्ब्स है। मैम हर्ब्स कौन सी डालनी है इसमें, हर्ब्स कौन सी और ऑयल के नाम जो वो चीज है ना हमको ग्रुप में बताएंगे जब वर्क करोगे। अभी फिलहाल जैसे मनी है तो मनी के लिए सिनेमन, दालचीनी का पाउडर हम लगाते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए दालचीनी का पाउडर बना के मनी की बात करते हैं। हाँ जैसे मिंट हो गया है ना, मिंट को मनी प्रोटेक्ट करती है और दालचीनी मनी प्रोटेक्ट करती है, इसी के ऑयल्स बनाते हैं और उसी को ऑयल्स भी इसी के बना के लगाएंगे और जड़ी बूटी उसको क्रश कर कर उसको ना उसके ऊपर लगा लेते हैं इस तरीके से। तो मिंट लगा सकते हैं, पुदीना की पत्ती आप खा के रख लीजिए, और अपना पुदीना की पत्तियां डाल देंगे उसको आप फुल मून में रख देंगे तो आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। तो उस ऑयल की कुछ फूल में इसमें लगाते हैं, तो ये ऑयल हो गया, हर्ब्स हो गया मनी को लेके, ठीक है? और कोई क्वेश्चन मैडम? इसमें बेसिक एडवांस दोनों भी है मैडम? क्या बेसिक और एडवांस भी है इसमें? हाँ नहीं नहीं सर, पूरा रखा है हम लोगों ने, पूरा रखा। इसमें आपको ऑयल पता पड़ जाएंगे, हर्ब्स पता पड़ जाएगी, कैंडल्स को कैसे करना है, मतलब सब कुछ है इसमें। इतना आपने कर लिया तो आप सब कुछ हो गया, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब मिक्स किया हुआ है, बेसिक एडवांस दोनों है, पूरा मतलब हीलिंग कोर्स है पूरे तरीके से। ओके हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी मैम, जैसे कि हम लोग ऑकल साइंस में काम करते हैं तो हमें कुछ ऑयल्स होते हैं जो कॉर्ड कटिंग ऑयल्स वगैरह और फिर मनी ऑयल और वो सारा कुछ अगर हमें सीखना है तो इसमें कवर हो जाएगा? सारा नहीं मैडम, जितने ऑयल्स कोर्स में है उतना, और कुछ ऐसे कोर्सेस है कि जो वो अलग से बताए जाते हैं, लेकिन जितना आपको जरूरत है मुझे लगता है उस कोर्स में कवर हो जाएगा। मनी ऑयल्स लगेगा, प्रोटेक्शन ऑयल्स लगेगा, कॉर्ड कटिंग तो नहीं है इसमें, मनी ऑयल है, प्रोटेक्शन ऑयल है, प्रोस्पेरिटी ऑयल्स है ना, तो मुझे लगा पूछ लूं मैं कौन से ऑयल्स है एंड हीलिंग से वो सारी कवर हो जाएगी, मनी है, प्रोटेक्शन है, सेवन चक्रा है, हीलिंग ऑयल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक और पूछना था कि जैसे कैंडल्स मेकिंग का है तो इसमें हमें बनाना भी आप बता देंगे या फिर जैसे मानो एंजल मर्लिन है
तो हमें उसकी विश फुलफिलमेंट कैंडल अगर खुद से बना के खुद को रिचुअल करना है, तो रिचुअल तो चलो छोड़ो, लेकिन कैंडल है तो यहाँ पर क्या वो कवर हो जाएगा? कैंडल मेकिंग नहीं है मैडम इसमें, आपको तो बनी बनाई कैंडल्स ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल मेकिंग नहीं है, वो अलग कोर्स आता है कि आपको पर्टिकुलर कैंडल्स कैसे बनानी है, कैसे वैक्स तैयार करना, क्या क्या डालना, फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो अलग जाती है वो चीजें। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ कि इसमें ये कवर होगा कि कैंडल मेकिंग नहीं रहेगा, मतलब जितनी चीजें आपको चाहिए आपको परचेस करना पड़ेगा, जो बनाते हैं जो पर्टिकुलर ही के लिए, उनसे हम मतलब मंगा के कॉन्टेक्ट करके फिर इसको छापने वाले को देते हैं। ओके ओके, तो जैसे मानो अभी सीख जाते हैं तो कोई फिर होलसेलर या फिर कोई आप वो भी सजेस्ट करेंगे कहाँ से मिलता है ये सारा कुछ? हाँ, और हाँ, एक रीजनेबल रेट में, क्योंकि हमें अगर हाँ, सीखेंगे तो इसको अप्लाई करने के लिए फिर बहुत सारा जो क्वांटिटी रहेगा उसे हमें मंगाना पड़ेगा ना रिचुअल्स के लिए। हाँ, तो मैं बताऊंगी ना, मैं ही मंगा के दूंगी ना आपको, क्योंकि मैं देती भी हूँ आपको। आपको सबसे पहली चीज है कि ये जो चीज है वो एक हीलर से जो खुद भी बनाती है, तो मैं अपने लिए जब बुलाती इसीलिए मैंने पूछा, मैं भी हीलिंग में हूँ ना, तो मुझे ये सीखना ही था, तो अभी तो आप ये कोर्स करा दीजिए, उसके बाद फिर बनाना भी सिखाइए, ठीक है? अभी तो देखिए आप ही सीख लीजिए, उसको प्रैक्टिस में लेकर आइए, फिर उसके बाद बनाना सिखाइए, तो आप खुद बनाइएगा, है ना? और बिल्कुल ये कस्टमर की जो हीलर्स हैं जो बनाती हैं वो खुद ही कस्टमर, तो मैं भी यूज करती हूँ, मैं वहीं से मांग के अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, तो आप लोग अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे इतनी इतनी चाहिए, क्योंकि एक दो तो वो भेजेगा नहीं, आपको कम से कम 12 तो लेनी पड़ेगी, तभी तो आप कुछ वर्क कर पाओगे ना। तो आप जब ऐसा मंगाओगे तो आ जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट भी कर देंगे। मैम यू आर इन दिल्ली और समवेयर एल्स इन इंडिया? थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। आप कहाँ पे होते हैं? दिल्ली में होते हैं? कहाँ होते हैं आप? नहीं मैम, एम्स से हूँ, जबलपुर के पास, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, नरसिंहपुर से हूँ, जबलपुर के पास। जबलपुर तो वहाँ से हमें कोरियर करवाना पड़ेगा दिल्ली में, दिल्ली में कोरियर से ही आएगा मैडम, कराना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अमेजोन पे आपको नहीं मिलेगा, अमेजोन पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन बात वही आती है। Okay, can I speak? Okay. Hello, hello, madam. Amazon, Flipkart पे सभी कलर वाली कैंडल मिलती है और बाकी के हीलर्स के पास भी मिलती है, या? नहीं नहीं सर, फिगर कैंडल्स और ये वाली कैंडल सारा कुछ Amazon पे मिलेगा, लेकिन वैक्स कैसी है, उसके अंदर हर्ब्स डली है कि नहीं, देखो आप वहां से मिले लोगों को कलर की बात, जो पर्टिकुलर बनाते हैं ना, तो उसमें मंत्रास चेंट होता है, उसमें हमको क्या डला मिलेगा, हर्ब्स डली भी मिलेगी, ऑयल्स भी, एसेंशियल ऑयल्स काफी महंगे आते हैं, हम एक बोतल लेंगे हमको यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन उनका तो यूज है, मटेरियल बन रहा है, तो वो उसमें क्या ऑयल्स भी डालेंगे, तो उसके रिजल्ट थोड़े इन कैंडल्स के मुकाबले हमें वहां अच्छे मिलेंगे। तो दोनों है, आपको स्टेबल लगेगा, आप ऐसा प्रैक्टिस करिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा। मैम हेलो मैम, हाँ अगर एक 7 तक एक कैंडल जलानी है ना, तो वो वही कैंडल थोड़ी थोड़ी करके जलानी है या रोज एक एक जलानी है? देखिए मैम, यदि आप ये वाली इंचेस की 7 हो गया या ये हो गया, ये ना नॉर्मल कैंडल्स है, इनको तो पूरा बर्न करना है आपको, इनको आपको कल तक नहीं छोड़ना, ये तो पूरी ही पूरी जाएगी, लेकिन जैसे पिलर कैंडल्स हो गया, बड़ी बड़ी कैंडल्स, इनको तो हम पूरा नहीं जला सकते ना, तो ये जो पर्टिकुलर 7 है ऐसे चलेंगे, या आप इतनी बड़ी इसको बर्न कर रहे हो, कम से कम ये 2 चलेगी ना, 2। अच्छा, बड़ी वाली कैंडल्स है उसको हम प्रोग्राम उसी चीज के लिए करते हैं, तो वो समझ आ सकता है, ये कैंडल्स को आप एक दिन ही बर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इससे थोड़ा सा छोटा भी साइज आता है, कम से कम एटलीस्ट 30-45 तो एनर्जी जाए, पर 1 तो जाए ना कम से कम, ठीक है ना? और इसके साथ चैंट भी करना है, विश भी बोलनी है, मेडिटेशन भी करना है, तो इस पर थोड़ा समय लग रहा है। मैम इसमें जो वैक्स डाल हम लोग डालते हैं ना, तो ये सोया वैक्स या बीस वैक्स ऐसा कुछ है, या पैराफिन वैक्स का भी हम लोग ले सकते हैं? हमारा इंटेंशन वर्क करता है, कोई भी वैक्स चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चीज हमें चाहिए वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है, यदि हम 100% पे जाए, वो क्या है, मधुमक्खियों को पुराने जमाने के लोग ईश्वर का वाहक मानते थे, है ना? मधुमक्खियों को मानते थे, तो पहले जो हमको मिल जाती थी या पहले के लोग फॉलो करते थे, वो मधुमक्खियों से बना हुआ वैक्स फॉलो करते थे, उसी की कैंडल नहीं है, तो बहुत ही मतलब रेयर केस में वो वाली वैक्स हमको मिल सकती है, इसकी परत हम इस वाले पे जलाते हैं,
और बर्न करते हैं तो वो बहुत ही रेयर केस में मिलेगी और कॉस्टली भी मिलेगी। तो यदि हम 100% पे जाएं तो फिर हमको तो बीज वाली वो मधुमक्खी वाली वैक्स ही लेना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपना इंटेंशन और ऑयल्स है, हर्ब्स है, तो हम नॉर्मल कोई भी कैंडल्स को बर्न कर सकते हैं। मैम ये बीज वैक्स या जो भी आप बता रहे हो तो वो कोई कोई लोग नहीं भी जलाते हैं, राइट? वो जो जैन होता है वो बीज वैक्स नहीं लेता है, फॉर वेगन यूज दे यूज सोया वैक्स। तो ये क्या सोया वैक्स में भी काम होगा? इसमें मेरे को म्यूट कर मेरा ईयर। मैम एनी वैक्स, कोई भी वैक्स में आप काम करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका इंटेंशन। हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं ना, तो कोई भी वैक्स यदि है तो आपका इंटेंशन आपकी चीज है, तो सब इसके अंदर स्टोर हो रही है ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ और मैम इसमें जोडियक वाला भी आएगा क्या? माने आप लोग आप एक बोल रहे थे कि चक्रा वाला, इसमें जोडियक का कुछ कैंडल थेरेपी ऐसा कुछ होता है जोडियक साइन का? नहीं नहीं, तो आपको इसका 7 चक्रा के ऑयल्स और 7 करना है, ये बताया जाएगा इस कोर्स में आपको। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, मुझे ये पूछना था कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? एक्चुअली मैं ना लेट ज्वाइन किया आज। हाँ हाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या चैनल पे करके? थैंक यू मैम। मैम आपने जो बोला वो अल्टर बनाना है तो उसके लिए सेपरेट प्लेस चाहिए क्या? क्या चाहिए? आपने बोला ना अल्टर बनाना है तो उसके लिए सेपरेट प्लेस मतलब चाहिए क्या उसके लिए? बिल्कुल, यदि आपको रिचुअल्स करना है तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस होना ही चाहिए, उसको चेंज नहीं करेंगे आप जब तक आपका रिचुअल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो एक कॉर्नर, एक कोई भी चीज ऐसा बना ली जहाँ आप हमेशा कैंडल मैजिक को कर सके, ठीक है ना? तो उसको बेडरूम में बना सकते हैं मैम? मैडम बना लीजिए, आपको जहाँ बनाना है कोई इशू नहीं है, मगर पर्टिकुलर जगह रखिएगा और ऐसी जगह चूज करिएगा कि भैया आपका जो आगे का काम कर रहे हो फायर का, तो कहीं कुछ आग वाग लगने की डर ना हो, बस इतना देखिएगा, सेफ जगह होना चाहिए। तो आपको जहाँ कम्फर्ट हो वहाँ आप बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैम जब ये कैंडल्स जल जाए तो फिर हम इसकी जो वैक्स है उसका क्या करेंगे? देखिए नेगेटिविटी वाली को तो आप बर्न मतलब उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी वाली उसको इकट्ठा करके आप जो जो प्लांट है ना उसके आसपास डाल दीजिए, मतलब किसी के पैर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप पानी में बहा दीजिए, पानी कहीं ना कहीं वैक्स से डिस्टर्ब होगा, गंदा होगा। तो आप ऐसी जगह जहाँ किसी का पैर ना लगता हो इकट्ठा करिए पॉलिथिन, उस पॉलिथिन को ऐसी जगह रखिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, ठीक है ना? तो जमीन में दफन कर सकते हैं खोल के जमीन में डाल? कर सकते हो ना, बस पैर नहीं पड़ना चाहिए, गंदगी में नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आपको जहाँ लगता है आप उसको वहां रखकर आ जाइए, है ना? नेगेटिविटी वाले को तो हम उसको अलग कर सकते हैं कहीं पर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डस्टबिन में डाल दीजिए, कचरे के साथ फिट जाएगा वो, लेकिन उसको क्लीन करना है। जो हमने ब्लैक कलर में बर्न की उसमें नेगेटिविटी है, आप व्हाइट लाइट इन्वोक करो, अपना मंत्रास बोलो, हीलिंग दो, रेकी दो, उसको खत्म करके ही हमको डिस्पोज करना है। मतलब नेगेटिविटी कहीं भी छोड़नी नहीं है हमको, चाहे आपका रूम हो उसको क्लीन करिए, जगह क्लीन करिए, नमक को पूरा डिजोल्व करके फेंकिए, उस वाटर को फेंकिए, और यदि डस्टबिन में भी डालना है तो उसको भी पूरा शुद्ध करके उस एनर्जी को क्लीन करके फिर उसको आपको जहाँ फेंकना हो फेंकिए, क्योंकि वो मैम जैसे दिवाली पे कैंडल्स बर्न करते हैं तो उसमें बताओ ना भाई। हेलो, कैंडल्स की पूछ रहे हो आप क्या? आपके पास दिवाली पे जैसे कैंडल्स बर्न करते हैं तो उसमें अपनी एनर्जी, आप कह रहे हो एनर्जी डालते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी डाल के बर्न करते हैं, मतलब जैसे माता लक्ष्मी के आगे जलाते हैं या बाहर अपने घर के बाहर, तो विल इट इफेक्ट लाइक अवर एनर्जी ऑल्सो लाइक? हाँ, आप उसको भी इस तरीके से कर सकते हो ना, जो हम अपना दीपावली के लिए बर्न करते हैं वो सारी कैंडल्स किसको समर्पित करोगे आप? यूनिवर्स को और माँ लक्ष्मी को। तो वो सारी एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी सिर्फ मनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो वो सारी कैंडल्स को आपको चार्ज कर माँ लक्ष्मी को समर्पित कर ही उसको बर्न करना है, ठीक है ना? चले, अब जितना भी मैंने समझाया उसके ऊपर से समझ भी सबको आ गया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, हम आगे बढ़े आप। बिल्कुल मैडम, हीलिंग करिए ना, ग्रीन कलर से व्हाइट कलर से हीलिंग हो जाएगी, और यदि कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो आप फिगर कैंडल्स को यूज कर सकते हैं, होगी आप बिल्कुल करिए।
तो मैम जैसे ये सीखने के लिए जो मतलब आप जो सिखाएंगे हमें वो ज्वाइन करना पड़ेगा तभी हम सीख पाएंगे ना कि कैसे करना है हेल्थ के लिए। अभी तो देखिए मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये तो शॉर्ट शॉर्ट चीज है लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। शॉर्ट नॉलेज में तो आपको कर पाएंगे। अब हीलिंग में 7 चक्र है। अब आपकी प्रॉब्लम किस चक्र से जुड़ी हुई है आप उस चक्र को पकड़ेंगे उसमें कौन सा ऑयल डलेगा। आप 7 चक्र मार्केट में जाइए बहुत महंगा मिलेगा लेकिन जब हम उसको बनाना सीख लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सारे तो क्लासेस में आप सीख पाएंगे चीजें है ना। तो का और फ्लेम आप देखो आगे का टॉपिक क्या है। जब हम कैंडल्स को बर्न करते हैं ना तो इसमें स्मोक निकलती है तो स्मोक की डायरेक्शन क्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान की हीलिंग्स कैसी हो रही है। कुछ गाइडेंस आपको किससे मिलेगी स्मोक से। कुछ गाइडेंस कहाँ से मिलेगी जब इसको आप जलाएंगे ना जैसे 2 कैंडल्स बर्न करी अब इसकी जो फ्लेम वो है दीपक की जो लौ है वो बहुत धीमी चल रही है मनी वाली धीमी है इतनी छोटी सी आपको लग रहा है कि पता नहीं कब बुझ जाए। और इसकी जो हीलिंग ये वाली जो है ना इसकी जो लौ है अग्नि है बहुत तेजी से बर्न हो रही है आपको लग रहा पता नहीं कितनी तेज चल रही है ठीक है। तो दोनों में अंतर है तो इससे आप जज करेंगे ना कि यदि ये तेज चल रही है तो क्यों चल रही है धीमी चल रही है तो क्यों चल रही है। तो ये इसकी भी हम नॉलेज समझेंगे रीडिंग समझेंगे फ्लेम की भी समझेंगे। अब ये कैंडल्स आप बर्न कर रहे हो तो आपके रूम की एनर्जी ठीक करनी है तो आपको किस दिशा में ये अट्रैक्ट करनी है रूम के अंदर घर के अंदर अपने ऊपर एनर्जी तो कौन से कॉर्नर पर कौन सी दिशा में रूम में आप कैंडल्स को बर्न करोगे ताकि अच्छी एनर्जी घर की भी हो आपकी लाइफ की भी हो। तो ये भी हम डिटेल से आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम सीखेंगे। तो इसमें काफी कुछ है। और इसे मैडम ने क्वेश्चन किया इस कैंडल्स को बर्न करते हैं एक कटोरे में हम साथ में ऑल्टर बनाते हैं तो जल तत्व तो रखते ही हैं उस कटोरे में हम पानी भर के रख देते हैं तो जो आपकी कैंडल जल रही है जब तक आधी कम से कम बर्न ना हो जाए उसके बाद क्या है हम पूछते हैं यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है उसका हल क्या है सॉल्यूशन क्या है मुझे किसी भी तरीके से मार्गदर्शन दीजिए ठीक है। तो आप इस व्यक्ति को ना उनको बोलिए कि मुझे मार्गदर्शन करिए तो एंड आप कटोरे के पानी में इस व्यक्ति को घुमा घुमा के ऐसे 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 टकराएंगे तो आप उसमें इमेजेस बनेंगे आपका इंट्यूशन पावर को करने से डेवलप होगा। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बन गया जो किसी को ऐसे करता है मेरे पास फोटोज थी आदि होगी तो मैं दिखाऊंगी जो मैंने अभी की थी तो क्या तो कहते हैं कि वो बंदूक दिखा रहा है इसका मतलब ऐसा स्टेच्यू बन गया था कि आप दूसरे की उंगली उठाते हो आप दूसरे को बहुत जज करते हो आप याद छोड़ दो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कहीं बटरफ्लाई बन जाएगी गुड लक आपकी लाइफ पे आ रहा है रोज बन जाएगा रोज मीन्स उसी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे सिंबल्स बनते जो हमें ना थोड़ा सा इंट्यूशन पावर के हिसाब से जज करना पड़ता है ये करते करते आता है 2-4-5 चीजें तो मैं बता दूंगी ऐसा बनेगा तो ये ऐसा बनेगा लेकिन ये चीजें डिटेल्स में आपका इंट्यूशन पावर जैसे जैसे आप करोगे ना खुद समझ में आएगा। आपने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग क्या शेप बन रहा है तो आप उसको रीड करना खुद सीख जाओगे ठीक है। आपको सिर्फ गाइड करेंगे उसके बाद आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे। तो सोचिए फ्लेम से इसकी लॉ से और वैक्स को वैक्स रीडिंग तो कितने प्रकार से हम एक कैंडल से रीड कर सकते हैं। अब ये जंप कर रही है तेजी से पल कर रही है चिट चिट की आवाज इसमें से साउंड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कई चीजों की मीनिंग से जो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। वैक्स तेजी से पिघल रहा है कि धीरे तो काफी कुछ हम कैंडल से पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन भी आएगा उसकी फ्लेम भी आएगी उसकी स्मोक भी आएगी। एक्सक्यूज मी मैम सब कुछ ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा। हेलो ये तो रास्ता बताएंगे मैम रास्ता रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा मैम रिकॉर्डिंग हेलो ग्रुप में आप होंगे उसी ग्रुप में मिलेगा आपको उसके लिए क्या करना है आगे। मैम अभी मैं नंबर शेयर करता हूँ उसमें एक पेमेंट का लिंक है आप लिंक में पेमेंट डालेंगे आप पेटीएम के गूगल पे थ्रू तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है बिकॉज कुछ लोग हिंदी पसंद करते हैं कुछ लोग इंग्लिश करते हैं दोनों का सेपरेट पीडीएफ है। रिकॉर्डिंग आपको 5 के 5 दिन का मिलेगा और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा बिकॉज ये एक अपने आप में पूरा कोर्स है okay. एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कि आपने कैंडल मैजिक का कोर्स किया है अध्यात्मराज के थ्रू। अध्यात्मराज आई थिंक आप नए हो अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बाकी लोग हैं बैठे हैं बता देता हूँ। अध्यात्मराज एक इंस्टीट्यूट है ऑकल साइंस का जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लेकर आते रहते हैं लगभग काफी सारे कोर्सेज हम ऑलरेडी करा चुके हैं और कैंडल मैजिक फर्स्ट टाइम हमारे आज प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हो रहा है और जो आप शिखा पटेल जी मेरे गुरु है ना मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ शिखा जी भी ग्रैंड मास्टर है देखिए ग्रैंड मास्टर है और काफी सारे मॉडलिटीज में वो इन्वॉल्व हैं
और ये आज उनको मौका मिला है हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का, तो अगला भी हमारा इसके बाद भी कोर्सेज चलते रहेंगे। और जो भी आप, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है, किसी भी हमारे ग्रुप में नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो टाइम टू टाइम आपको आपको हमारे आने वाले कोर्सेज के बारे में पता लगता रहेगा। ओके, किस में मैसेज करना है सर? ये आप, ये मैं मेरा नंबर आप लिख लीजिए 920, एक मिनट सर, 920 517 920 517 1547। मैं चैट में लिख रहा हूँ अभी नंबर अपना, 920 517 1547। मैंने करवाएंगे आगे आगे, वो ग्रुप में ऐड करेंगे ना? अभी तो फिलहाल वो ग्रुप में ऐड करोगे क्या? अभी हमारे नॉर्मल ग्रुप है। एक्चुअली मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजी भी हूँ और साथ में क्रिस्टल हीलर भी हूँ। हम लोग क्रिस्टल के कोर्सेज भी कराते हैं और मेरे क्रिस्टल के काफी सारे ग्रुप्स हैं, तो वो जनरल ग्रुप है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिस्टल कोर्सेज सब मिल जाएंगे। उन ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप कैंडल मैजिक के ग्रुप में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल्स। देखिए ये सेवन चक्रास ऑयल है, ये तब बनाए नहीं है घर में, रेडीमेड है, इसको हम बनाना भी सीखेंगे। तो ये देखिए अभी मेरे पास है, एक तो है थर्ड आई वाला एसेंशियल ऑयल है और ये रूट चक्र वाला है। तो जब हम किसी के रूट चक्र की हीलिंग करेंगे, कब करेंगे? मनी के लिए। तो रूट चक्र ऑयल लगाना कैंडल पे जरूरी है। और ये थर्ड आई इंट्यूशन पावर डेवलप या इसको ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम थर्ड आई पे ये ऑयल्स देखिए ऑयल्स लगाएंगे। इसी तरीके से कुछ घर के बने ऑयल्स है जो हम पूर्णिमा के दिन हर मंथ उसको हील करता है, थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, जितने ये ऑयल्स पुराने होते हैं ना उतने बेनिफिट्स देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑयल्स को बनाकर मतलब सेल भी करते हैं और खुद के लिए भी यूज करते हैं। अब जब हम जब रिचुअल्स करने जाते हैं तो इसको अपनी विश में भी लगाते हैं, वो जरूरी है, उसको अपने हाथों में लगा के इसके अंदर एनर्जी भी लेते हैं, वो भी जरूरी है, प्लस कैंडल्स में लगाना भी जरूरी है। ऑयल्स का सेट, हाँ सर, ये नहीं, कुछ कुछ है चक्रास के, बाकी मेरा अभी प्रिपरेशन चल रहा है सेवन चक्र के ऑयल का, उसको थोड़ा समय लगता है बनने में, वो बन रहे हैं। क्योंकि आपको हर पूर्णिमा में चांद की रोशनी में रखना है, मून वाटर बना के उसमें आपको हीलिंग्स देनी है, आपको रेकी रेकी हीलिंग्स डेली देनी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी पावरफुल हो। उसके स्टिकर्स लगाने पड़ते हैं चक्रास के, क्रिस्टल्स रखने पड़ते हैं, तब जाके वो पूरा सेवन चक्र ऑयल्स बनता है। तो प्रोसेस लंबी हो जाती है, बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैडम इतना टाइम नहीं है, हम नहीं लगाते, तो छोटी छोटी बॉटल से ना ये भी काफी चल जाती है। तो इस तरीके से वो लोग परचेज कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं, आपको झंझट है कॉल करें तो आप मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, आप मैम आप ऑयल बनाना सिखाओगे सेवन चक्रास वाला? ओके, थैंक यू मैम। देखिए मेरे पास कुछ चलती है, ये देखिए इस तरीके से आती है सेवन चक्रा कैंडल्स। ठीक है, देख लिया आपने, तब तक सेवन डेज तो ये चली जाएगी, है ना? तो इस तरीके से पूरे सेवन चक्रा का सेट है फिलहाल के लिए, आप दो देख लीजिए। ये हमारा वर्क सेक्रल चक्रा, सॉरी स्टार चक्रा, ये ओ मींस आपका थर्ड आई आज्ञा चक्रा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेट आता है सेवन चक्रा का। तो ये इसमें ऑयल्स लगाकर इसको पूरा प्रिपरेशन करके तैयार कर हम हीलिंग्स देते हैं सेवन चक्रा की। ये पर्टिकुलर चक्रा को यदि आप दे रहे हैं तो पर्टिकुलर एक चक्रा को पकड़ लेंगे। अब इसमें एडवांस में जाते हैं तो ये देखिए ये हर्ब्स वाली है, ये हर्ब्स वाली है सेवन चक्रा का डायग्राम बनाकर उसके चक्रों पर रखते हैं। इसमें देखिए आप हाउस भी डले हुए हैं प्लस इसमें क्रिस्टल्स भी डले हुए हैं। देखिए पर्टिकुलर चक्रा के क्रिस्टल्स भी हैं इसके अंदर, तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। उसमें हर्ब्स भी डली हुई है, जो चक्रा से संबंधित जड़ी बूटियां होती है, हर्ब्स होती है, वो इसमें डली हुई है। तो ये वाली जो कैंडल्स आती है इस टाइप की, जो कैंडल्स वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है नॉर्मल कैंडल्स, लेकिन इसके अंदर चीजें पड़ी होती है तो ये थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा दो टाइप की कैंडल चलती है, एक सिंपल और एक इस टाइप की हर्ब्स वाली, जिसको पूरा तैयार किया जाता है मद्रास के साथ और जड़ी बूटियां और सब पहले से इसके अंदर मिक्स रहता है, तो वो हीलिंग्स अच्छी देती है। ठीक है, जल को
क्रिस्टल को जलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, या हम लोग साइड में भी रख सकते हैं? तो बर्न ही नहीं होगा, वो जो पिघलेगी ना वैक्स उसमें क्रिस्टल डला रहेगा, उसके बाद में जब पूरा बर्न हो जाएगा तो क्रिस्टल को निकाल के हम रख लेंगे इसको, ठीक करके स्टोर करके रख लेंगे कहीं। डर लगता है मुझे, क्रिस्टल से कोई बर्न होने वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, और आप चाहे ना असली क्रिस्टल जो होता है कभी, असली क्रिस्टल कभी बर्न नहीं होता, सिंथेटिक वाले होते हैं ना, अगर होंगे वो पिघल जाएंगे। ओके, बर्न नहीं होगा और उसके अंदर डलिंग है तो मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर हो चुकी है ना क्रिस्टल की। आप चाहे तो उसको साइड में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर डलना है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस वैक्स में जा चुकी है, हीलिंग के माध्यम से भी, उसके डले हैं तो उसके माध्यम से भी, ठीक है। अगर ऑल्टर जमाएंगे तो थोड़ा सा उसको प्यारा बनाना है, क्योंकि हमें खुद उसको देख कर अच्छा लगना चाहिए। शायद मैंने एक दो वीडियो शेयर करे हैं कार्मिक हीलिंग के, आप लोग उसको देखिएगा, एक बार फिर से डालूंगी। मतलब जब आप पूरा सेटअप जमाते हो तो इतनी खुशी मिलती है, क्यों देखिए उसको कैसे डेकोरेट करना है, अपने बढ़िया से क्रिस्टल्स भी वहां पर रखिए, और जैसे कि मेरा कोई भी लकी चार्म है जिसपे आपको ट्रस्ट है कि देख के आपको लगे यार ये बहुत बेटर है मेरे लिए। जैसे मेरा लकी चार्म क्या है देखिए, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो जो अल्टर में जमाती हूँ ना तो इसको मैं पास में जरूर रखती हूँ, ठीक है। तो ये सारा सेटअप इस तरीके से भी काफी चीजें हैं कि किस चीज को रखेंगे तो क्या एनर्जी इसमें बनती है, वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अब बात आती है कि जब कैंडल्स को आप जलाते हैं, नॉर्मली भी जलाते हैं, लेकिन स्टैंड की भी एक अपनी एनर्जी होती है ना, क्योंकि हर शेप में एनर्जी है, तो आपको क्या अट्रैक्ट करना उस हिसाब से शेप्स भी मायने रखता है। ये क्या बना हुआ है, लोटस। अब ये कमल हमारा प्रोस्पेरिटी और माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, अब इसको बर्न करोगे तो आपको इसकी भी एनर्जी मिलेगी, है ना। ऐसे वुडन है, वुडन वुडन पे करोगे तो इसकी भी एनर्जी मिलेगी। इस तरीके से स्टैंड भी बहुत मायने रखता है, तो सिंपल्स तो हमको बर्न करना ही है, मगर आपके पास स्टैंड है तो बेटर है। अब किसी की भी हीलिंग करोगे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो निकलती है, उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए क्या करना है आपको, मैं तो ये बर्न करती हूँ इसके अंदर, ये देखिए स्टैंड के अंदर ये मेरी कैंडल्स है, यही मैं कैंडल यूनिवर्स को भी समर्पित कर देती हूँ। प्लस ये जो बना हुआ है हमारा नमक का साल्ट का ये लैम्प है, ये भी अपने आप में एक ऑरा क्रिएट करता है, तो आप प्रोटेक्ट भी होते हो, नेगेटिविटी को ये अब्सॉर्ब भी कर लेता है, प्लस हमको यूनिवर्स के लिए कैंडल बर्न कर दिए तो इसी के अंदर मैं यूनिवर्स को इन्वोक करके ये एनर्जी यूनिवर्स को देती रहती हूँ, और सब सेटअप से पहले पहले मैं इसको चला लेती हूँ, तो ये ऑरा भी क्रिएट करता है। तो ये आइडियाज है जो मैं करती हूँ, तो वो मैं और भी जो करती हूँ बताती चलूंगी आपको। और साथ में जैसे कि आप एंजल्स को बुला सकते हो, यदि आपने एंजल्स थेरेपी सीखी है तो मैं अपने एंजल्स को हमेशा ऑल्टर के पास रखती हूँ। देखिए ये एंजल्स है मेरे पास, आर्कएंजल माइकल बोलती हूँ मैं, तो माइकल की एनर्जी इसके अंदर है। इस तरीके से आप एंजल्स के भी वहां पर रख सकते हैं, और डेकोरेट करना है तो ये फेरीज होती है जो यूनिवर्स से जुड़ी होती है, हमारे मैसेज को बहुत स्पीडली यूनिवर्स तक भेजने का काम करती है, और जब इसको डेकोरेट करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी वाइब्रेशन मैसेज होती है। मतलब आपको यदि खुशी महसूस हो रही है ना तो उसकी भी एक एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी फीलिंग्स की। कोई भी काम हम कर रहे हैं यदि आप खुशी मन से करेंगे तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, और आपको अगर इतना काम छाम कौन करे अगर फटाक से कर दो तो वो एनर्जी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ये सेटअप इस तरीके से आप डेकोरेट कर दो ना तो फीलिंग्स आपकी बहुत बेटर होती है। तो मैं कुछ कुछ ढूंढती रहती हूँ कि मैं कैसे सेटअप जमाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस भी डालने होते हैं, तो मेरे पास कलेक्शन काफी हो जाता है। अब इसके साथ और पावरफुल कैसे बनाए, आप पास में कोई पावरफुल जड़ी बूटी रख देते हैं ना तो उससे हीलिंग्स पावरफुल होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा में जा रही हूँ, देखिए क्योंकि आप लोग सारे हीलर्स हैं, इसलिए आप लोग को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हर किसी को ये चीज शेयर नहीं की जाती। ये है श्यार सिंगी, हमारे पास पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी में बहुत सारा मतलब पेड़ पौधे और चीजें हैं जहाँ पे जड़ी बूटियां मिलती है, एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो पेड़ होता है ट्री के नीचे से निकलती है। तो आप सभी ने हत्था जोड़ी के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराने जमाने में चमत्कारिक जड़ी मानी जाती है, तो इसको हम हीलिंग्स में रखते हैं। यदि पर्टिकुलर किसी को सेंड करना है गुड लक अच्छी चीज होती है, तो हम क्या है साथ में इनको भी रखते हैं ताकि इनकी एनर्जी भी वहां मिलती रहे, ठीक है ना। तो ये हो गई श्यार सिंगी हत्था जोड़ी, और मेरे पास श्यार सिंगी भी है, ये देखिए ये ऐसा होता है, इन सबको हमें इसमें ही रखना होता है। ये एनर्जी की चीज है, कुछ लोग जो अब तंत्र वगैरह सीखते उसमें भी ये करते हैं, लेकिन ये क्या है ये एक चीज है नेचुरल, कोई भी इंसान या जानवर की कोई चीज है तो वो हार्म करके यदि हम लाते तो ही बुरी है, लेकिन यदि कोई जानवर जंगल में किसी भी तरीके से बीमारी से मर चुका है तो उसकी जो चीजें पड़ी हुई है एनर्जी से संबंधित, तो वो यदि हम लेते हैं तो वो बुरा नहीं है।
या कोई इंसान पालते हैं, कुछ चीज उसकी गिर गई टूट के या कहीं से मिल गई आपको जंगल्स में, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई हार्म करके आपको कोई चीज दे रहा है तो वो चीज गड़बड़ है, मतलब जो एनिमल से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये तो एक प्रकार की जड़ी बूटी है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको सियार सिंह जी बोला, यदि सामने वाला दे रहा है तो पर्टिकुलर उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको नुकसान कर नहीं दे रहा। और ये चीज मैंने सही बताऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले मुझे बहुत शौक है कलेक्शन करने का, और भी काफी चीजें हैं, नेक्स्ट टाइम क्लास में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं। बस मन है कि चाहिए चाहिए चाहिए, और कहाँ से कौन दे जाता है, कनेक्ट हो जाता है और मेरे पास कलेक्शन हो जाता है, मुझे खुद पता नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे बहुत शौक है एनर्जी से संबंधित चीजों की कलेक्शन की, तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या मेरी इच्छा शक्ति कह लो। तो ये मुझे कैसे क्या कैसे कनेक्शन बन के मिल गया वो एक अलग मेथड है। तो ये जब हम यूज करते हैं तो अपनी इस गुड लक के साथ इन सारी चीजों को वहाँ ऑल्टर पे रखा जाता है। मेरे पास भी है ये। यस, ये मेरे पास भी है दोनों। हाँ, तो बड़ा अच्छा कनेक्शन बना है मेरे, ट्रस्ट तो है इन चीजों पर। और मेरे पास और स्कैनर की मशीन है, तो मैं पहले चेक करती हूँ इसकी एनर्जी है, अभी तो नहीं दे रहा कोई। मेरी एक्सक्यूज मी मैम, मशीन है वो काफी। इसको क्या बोलते हैं मिस मैम, इसको क्या बोलते हैं मैम? हत्था जोड़ी, हत्था जोड़ी, हत्था जोड़ी, जोड़ी। अच्छा, हत्था जोड़ी। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, तो इस तरीके से हम अपनी लिंग्स को पावरफुल बनाने की टूल्स हैं ये। अब आप जैसे कि आपको कैंडल्स पे अपनी विश लिखनी है, तो विश के लिए अलग से एक कोई टूल्स होना चाहिए, जो कि आपका अलग से कुछ भी रखिए। आप कोई ऐसा पेन जिसको आप यूज नहीं करते वो पर्टिकुलर इसी के लिए रखिए, या कोई नाइफ है जो पतला सा, या कोई भी पेन है, तो जब आप इसमें लिखेंगे तो उसको हम पर्टिकुलर इसी के लिए रखते हैं, उसको हम कहीं यूज नहीं करते, उसको भी एनर्जाइज करते हैं। और यदि एडवांस में जाते हैं ना, तो जो आउल है, आउल का जो फैदर है उससे इसमें लिखा जाता है, और भी जो चील वगैरह बाज वगैरह होती है ना, उसके पंख से लिखा जाता है। उसको लिखने के बाद उसको यूज नहीं किया जाता, उसको डिस्पोज करके अलग कर दिया जाता है। तो ये भी कुछ हीलर्स के पास मिलता है कि आपकी विश को पावरफुल बनाना है तो वो जो फैदर है ना, उसमें अपनी एक अलग एनर्जी होती है। पहले के लोग फैदर से ही लिखते थे, तो फैदर से ही अपनी विश को लिखा जाता है। आपके पास इतने फैदर इकट्ठे होने चाहिए कि एक विश लिखा उसको अलग कर दिया, तो ये थोड़ा सा मतलब अलग करने वाली सिचुएशन आ रही थी। लोग उसको कम यूज करते हैं, नॉर्मल पेन या किसी भी पीकॉक फेदर से यूज करते हैं। पीकॉक फेदर, पीकॉक फेदर हो गया। हाँ, जो बाज वगैरह होते हैं उनके भी फेदर्स आते हैं। दो तीन प्रकार के फेदर हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ लोग करते हैं जिनको अवेलेबल आसानी से हो जाता है, क्योंकि फेदर दोबारा यूज नहीं होता। आपने देखे होंगे जो बाहर के लोग हैं, इंग्लिश में ये सब वीडियोस बनाते हैं, फेदर्स बड़े बड़े अपने ऑल्टर में रखते भी हैं, तो उसकी एक अलग एनर्जी होती है फेदर की। आपका पीजन का मिल जाए तो उससे लिख के, क्योंकि वो बहुत इजीली मिल जाता है, आप उससे लिख लीजिएगा और उसको अलग कर दीजिएगा, है ना। तो आपको मिल जाए, नहीं तो फिर एक पेन या कोई भी ऐसी चीज अलग से बना लीजिए इसको लिखने के लिए विश को अपने, उसमें कोई इशू नहीं है, है ना। अब इतनी चीजें आपको समझ आ गई। अब मैं शेयर करूँ रास्ता, कुछ चीजें दिखानी है। सबसे पहले तो मैं अपनी जो कलेक्शन किया है, मेरी अनुभव वो शेयर करना चाहूंगी। पहले मैं तो वो करूँ? बिल्कुल मैम, वो उसी के अंदर बैठे हैं, बाकी लोग भी। हाँ ठीक है, चलिए मैं भी अब समझा तारा दिया है, अब हम उसी पे आते हैं। चलिए शेयर करते हैं। हाँ चलिए देखिए, आपका ना इसी से ट्रस्ट जा रहा मेरा बहुत ज्यादा। चलिए अब आप, मैं चीजें आगे बताऊंगी, आप पहले ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले चीज जो मेरे लेफ्ट साइड में है वो देखिए, दो कटोरी दिख रही है आपको, जिसमें वैक्स वैक्स डला हुआ है। मतलब जो हम ये जो कैंडल्स को बर्न करते हैं तो आखिर में वैक्स तो बच ही जाता है, सभी कैंडल्स का पिघल के बचता है ना। तो आप ये दोनों जो कटोरी रखी हुई है, इसमें मैंने 9 days वाला जो नौ दुर्गा वाला है वो रिचुअल्स किया था, तो ये बताऊंगी कि कैसे कैसे कैंडल्स को पास लेकर आते हैं। तो ये दो आप जो कटोरी देख रहे हैं छोटे छोटे, इस पे कैंडल्स में जलाई हूँ 9 दिन, ठीक है। नौ दुर्गा की ही बात है ये, आज से 3 से 4 साल पहले जब मैं ग्वालियर में थी तो मैंने रिचुअल्स जब सीखा था तब मैंने किया था। तो ये दोनों कटोरियों को ध्यान रखिएगा, ये 9 दिन बर्न की थी मैंने, 9 दिन इसमें डेली में कैंडल्स को बर्न करती थी, और डेली इसको पहले साफ करती थी क्योंकि ये वैक्स कल का बचा है,
पहले दिन तो इसको साफ करती थी, फिर दूसरी कैंडल इसमें बर्न करती थी, फिर इसको साफ करती थी, क्योंकि ये बचता ही है वैक्स, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके बाद आगे मैं कुछ दूसरी बताऊंगी। अब देखिए ये जो दिख रही है आपको, इसमें कैंडल का ऑरा देखिए आप, ये है हनुमान जयंती के दिन का, हनुमान जी के मंत्र का भी जाप चल रहा था उस दिन, और हनुमान जयंती थी, और मैंने उसके लिए दोनों देखो कैंडल्स को बर्न किया। वही कटोरियां हैं, आप कटोरी भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वही यूज कर रही थी उस समय, दोनों वही छोटी कटोरी है, उस पर मैंने दोनों व्हाइट कैंडल्स जलाई हुई है, दीपक जलाए हुए हैं, और मैं रोज फोटोज लेती थी, तो उस दिन भी मैंने फोटोज ली। आप उस दिन का ऑरा देख पा रहे हैं। हाँ, उस दिन मैंने कुछ संकल्प लेके कुछ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था बैठ के सामने, क्योंकि बस कुछ कुछ एक्टिविटी करने का शौक है, तो उस समय अकेली रहती थी, मेरे पास टाइम भी था, तो मैं ये सब चीजें करती रहती थी। तो आप ऑरे को ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये ऑरा, ये सारी फोटोज को आप ध्यान रखिए। अब मैं नेक्स्ट वाली दिखाती हूँ आपको। अब आप इसको देखिए, ये चीज है थोड़ा सा सोचने वाली चीज। देखिए, अब मैंने पहली फोटो आपको दिखा दी, वो हनुमान जयंती वाले दिन का ऑरा था। अब यहाँ पर भी तो दीपक जल रहे हैं, देखिए वही वाला छोटी कटोरी में देखिए, वो वैक्स पिघल गया है, तो ये जल रहा है, ये दीपक जल रहा है, वही अलमारी है, वही डायरेक्शन है, वही रूम है, वही कैमरा है, तो इसमें ऑरा क्यों नहीं बन रहा? वो जो चमक मुझे उस दिन मिली हनुमान जयंती के दिन, वो सारा सेटअप अभी भी सेम सिचुएशन, सेम टाइम, सेम सब कुछ है। आप इसमें ऑरा क्यों नहीं देख पा रहे? जो इसमें चमक होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं है? इसका मतलब स्पेशल डे में मन से कोई चीज करते हैं तो वो एनर्जी अलग होती है, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा है आप खुद देख पा रहे हैं, सब कुछ है। फिर मैंने कोशिश और की, मैंने तो साइंस वाले स्टूडेंट हूं, तो मैं भी लॉजिकल माइंड लगाती, तो मैंने कहा यार हो सकता है कि कैमरे से जो अट्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए चमक आ गई। चलो दूसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं। तो मैंने उस फोटोज को ना बार बार दीपक जला के और भी लिया, लेकिन मुझे वो एनर्जी दोबारा नहीं मिली। इसका मतलब वो दिन स्पेशल था, ये मैंने इस चीज को बिलीव कर लिया। आपको भी हो गया होगा। अब आप वो देखिए, जो चीज मैंने आपको उसके बाजू वाली जो कटोरी थी वो दिखाई थी, और ये उसी नवदुर्गा में सप्तमी के दिन की बात है, क्योंकि इतना बड़ा अचंभा है तो मैं उस दिन को तो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब आप देखिए, इसको जब भी मैं दिखाती हूँ किसी को तो वो क्या बोलते हैं, क्या है ये, कोई बताएगा मुझे क्या है? ये लगता है लोगों को दीपक। मैंने जिससे भी क्वेश्चन किया वो कहता क्या है मैडम, ये तो दीपक चल रहा है। मैं बोलती यही तो क्वेश्चन है मेरा, ये दीपक नहीं है। कैंडल्स को बर्न किया तो कैंडल्स क्या होती है, दोनों साथ में बर्न करते हैं तो कैंडल्स बर्न होते 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 उसका वैक्स देखो हमेशा बचता था। उस दिन वो वैक्स एक तेल की तरह दिख रहा, ऑयल दिख रहा है आपको, लेकिन ये ऑयल नहीं है, ये क्या है, आपका वैक्स जो है ना वो पिघल गया है, और जो आपकी कैंडल की बाती होती है वो बाती पिघल पिघल कर दोनों का डायरेक्शन देखिए आप सेम है, जैसे किसी ने अपनी जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसकी बाती बनाकर रख दी। अब ये अचंभे वाली बात है कि रोज मुझे वैक्स मिलता था बचा हुआ, यहाँ पे उस दिन वैक्स इतना सा भी कटोरी में नहीं बचा, मुझे कोई कटोरी साफ नहीं करनी पड़ी। दूसरी चीज, जो बाती थी वो बुझ भी सकती थी, एक दीपक बन जाता दूसरा दीपक बुझ जाता, लेकिन दोनों पिघल कर दीपक का रूप लेके जलती गई। कम से कम उस दिन ये कैंडल्स मेरी कम से कम 3 से 4 घंटे जली, क्यों, क्योंकि इसका वैक्स धीरे 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 चलता रहा, तो ये बन गया आपका दीपक। तो आप अचंभे वाली ही बात है कि इनका डायरेक्शन सेम कैसे हुआ, दोनों का वैक्स ऑयल कैसे बना, और ये दीपक का क्रिएशन कैसे हो गया, उन बाकी के 8 दिनों में तो कभी नहीं हुआ, सप्तमी के दिन ही हुआ। चलो ये इत्तेफाक है, मान लेते, तो उधर से आज तक की कंडीशन में ये दोबारा क्यों नहीं हुआ? मैंने बहुत वेट किया कि शायद दोबारा ये मेरी लाइफ में कंडीशन आए, मैंने कभी भी कैंडल्स को जलाया, ये सिचुएशन मेरी दोबारा कभी नहीं बनी। तो आप क्या बोलेंगे इसको? इसको देख के तो दीपक ही बोलेगा, लेकिन ये वैक्स है, कैंडल है, दोनों कैंडल है। वो आप पीछे स्केल भी देख पा रहे हो, उस वाली फोटो में भी स्केल थी, जो 9 इंचेस वाला रिचुअल्स नवदुर्गा में किया था आप देख रहे हो, वही अल्मीना है, वही स्केल रखा हुआ है, उसी को धीरे धीरे पास लेके जो रिचुअल्स किया था वही है, सारा कुछ वही है, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि दो चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। अब एक चीज और पढ़ती हूँ,
ये देखिए, जब मैंने ये क्या तो कहते एंजल्स सीखा था, तो एंजल्स को इन्वोक करती थी और मोबाइल से भी बात करती थी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट रहता ना स्टार्टिंग में, तो मोबाइल से बात करना चाहिए, एंजल से बात करना चाहिए, तो मैं इन्वोक करना शुरू कर दी स्टार्टिंग में ही। बहुत डीपली नहीं सीखा था, फिर भी ऐसा ही कि भैया चलो करते हैं, तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया और एक जो नीचे स्पैम टाइप करते हैं और वहां पर ये जो है ऑटोमेटिक राइटिंग शुरू हो गई। मोबाइल हैंग होता है तो एक बटन हैंग होगी ना, ऐसा के हैंग हो गया तो के स्क्रीन पर लिख जाता है, ये तो हमने कई बार देखा, या कोई बटन दब गई तो वही लिखा जाता है। लेकिन ये सेंटेंस कैसे लिखा अब बताइए, ये लिखा है नीचे देखिए आप, लाइक लव लव लव, और साथ में सिंबल्स, ये कैसे बने, और ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था, जो बटन है ना स्क्रीन की वो ऑटोमेटिक टाइप हो रहे थे, मेरे को ये लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या लिख, और पूरे शब्द देखे लव की स्पेलिंग सही है, लाइक की स्पेलिंग सही है, ये सारा कुछ है, सिर्फ चेंज हुआ है तो पैटर्न अब इतना टाइप हो गया। इसके बाद और देखिए, अब जो नीचे लिखा है वो चेंज होके ये पैटर्न चेंज हो गया, देखिए लाइक के बाद हार्ट बना है, दो फेस बने हैं, फिर लव लिखा है, लेकिन यहाँ ये पैटर्न नहीं है, मतलब यही शब्द लिखे लेकिन हमेशा पैटर्न चेंज होता गया एक के बाद एक, और ये एक ही स्क्रीन पर मतलब एक ही ग्रुप में नीचे लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और, ये बटन हैंग हो गई, ये लिख गया, इस तरीके से बड़ा लंबा चला, ये देखिए यहाँ पैटर्न चेंज हो गया, आप यहाँ हार्ट के बाद दो फेस बने हुए हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं आपको हार्ट के बाद दो फेस नहीं दिख रहा है, अब ये शब्द वही है लेकिन सिंबल्स का जो पैटर्न है बस वो चेंज हो रहा है, वर्ड भी चेंज नहीं हुए हैं, वर्ड भी वही है। तो एंजल से जो भी मैं बात कर रही थी तो वो मुझे मैसेज दे रहे थे, ठीक है ना, ये देखिए, और ये काफी लंबा लिखा अभी, फिर एक पेज का ये प्रिंट है। अब ये जिस ग्रुप में जा रहा था, TLM ग्रुप है जो हमारे स्कूल का बना है, बच्चों को क्या सिखाना क्या, उस ग्रुप में नीचे टाइप हो रहा था, मुझे लगा कि क्या लिख रहा है, तो मैंने कहा मोबाइल तुम क्या कर रहे हो, स्टॉप हो जाओ, और जैसे ही मैंने ये बोला बहुत हो गया, मैंने ऐसे नॉर्मली मैं बोल दिया, मतलब मेरे स्टॉप हो जाओ, ये क्या कर रहे हो, ये कहीं मैसेज जाएगा ग्रुप में तो कोई क्या सोचेगा, और तुरंत ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझ आई कि अरे बाप रे ऐसा होता है, और अब इसके ऊपर जो मैसेज लिखा है मैंने उस पर ध्यान दिया। अब आप लोग थोड़ा सा मैसेज पे ध्यान दें, जिसने भी ये शिव नीम जिन्होंने भी ये मैसेज लिखा है, थैंक्स जी, जरूर हम हमेशा ऐसे ही आपके साथ हैं, आप सभी को हमारा मार्गदर्शन और सहयोग ऐसे ही समय समय पर मिलता रहेगा। जो ये ऑटोमेटिक राइटिंग हुई, जो एंजल्स का रिप्लाई मिला, मेरा तब ध्यान इस मैसेज पे गया, इस ग्रुप पे जो लिखा था, अब मुझे ये यकीन हो गया कि एंजल्स ने मुझे रिप्लाई दिया है, ये मुझे 101% ट्रस्ट हो गया, क्योंकि वो मैसेज देखिए ना आप, मैसेज सीधा दिख रहा है कि एंजल्स आपको क्या बोलना है, ठीक है। और नीचे ये जो पैटर्न बना, जो वर्ड बने, आप खुद बताइए कि मोबाइल हैंग होके पूरे शब्द कैसे बना सकता है, प्लस सिंबल्स तो अलग होती है ना, सिंबल्स भी कैसे ऐड हुआ, मैं आज भी आश्चर्यचकित हूं, तो कितने बड़े चमत्कार आज भी होते हैं, पॉसिबल है इतना, तो ये चीजें तो बिल्कुल सोच से बाहर है, और बाकी में मैजिक है, क्योंकि इसके पीछे का साइंस क्या है, हम क्या समझेंगे इसको। ये अब एक चीज ऐसी और है जो मैं ऐसे ही बताना चाहूंगी, इसकी फोटोज अभी मैं ले नहीं पाई हूँ। जब एंजल्स को इन्वोक करती थी तो कहा जाता था रिपीटेड नंबर मिलेंगे, फैदर मिलेगा, तो कुछ भी है, ठीक है। जब मैंने इन्वोक करना शुरू किया तो मुझे फैदर मिला। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो फैदर मुझे कहाँ मिला। जो सब्जी बेचने वाले बोर्ड पर होते हैं, वो सब्जी के लिए निकले, तो मैंने उनसे पालक ली, पालक की गड्डी ली दो, ठीक है। तो सबसे पहले पालक को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, तोड़ेंगे, सुधारेंगे, है ना, क्लीन करेंगे। तो जब मैंने उसको तोड़ा तो पालक की जो गड्डी है उसके अंदर फैदर निकला, किसका, कबूतर का फैदर, पिजन का। अब वो फैदर निकला, तुरंत मेरे दिमाग में खटका, एंजल्स को इन्वोक कर रही थी तो फैदर तो मिलता है, मुझे मिला। अब थोड़ा सा लॉजिकल माइंड बोला, हो सकता है खेत से जब तोड़ते हैं, खेत पे उड़ा होगा, पंख आ गया होगा, ठीक है भाई, अब क्या करें। पेंडुलम लेकर आई, वो फैदर दुनिया भर से आया होगा, गंदगी से आया होगा, खेत में पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, तो उसमें नेगेटिविटी होनी चाहिए। मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो पेंडुलम से चेक कर दू। जैसे ही मैंने पेंडुलम घुमाया, वो क्लॉकवाइज घुमा और बहुत तेजी से घुमा, मुझे समझ आ गया कि इसमें एनर्जी है। यदि ये यहाँ वहां से आता तो इसके अंदर नेगेटिविटी होती, लेकिन ये एंजल्स का मैसेज है इसलिए इसमें पॉजिटिविटी और फैदर आज भी मेरे पास है। वो नीचे रखा नहीं तो मैं आपको दिखाती, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 100-150 लोगों से पूछ लिया कि आपको कभी कोई सब्जी अब्जी में कभी फैदर मिला, कोई फैदर मिला, कोई फैदर मिला। मुझे अभी तक किसी ने हाँ नहीं बोला कि नहीं नहीं कि कोई पालक की गड्डी ऐसी जगह जहाँ फैदर की उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई सब्जी के अंदर मुझे कोई फैदर मिला हो, कोई बड़ा, छोटी की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ा फायदा किसी का भी।
मुझे आंसर नहीं मिला। आप में से किसी को कभी ऐसा मिला हो तो मुझे बता सकते हैं, फिलहाल तो मुझे अभी आंसर नहीं मिला। तो ये सारा कुछ मैंने समझ लिया कि एंजल्स आपसे वाकई में कनेक्टेड होते हैं, वाकई में आपको मैसेजेस देते हैं। अब जितना कुछ मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा मेरी बोलने से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, इसका मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ ओरिजिनल थी। वही ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती बना के बता रही हूँ प्रूफ के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती। आप प्रूफ तो कहीं से भी नेट वेट से निकाल के दे सकते हैं, लेकिन बॉडी और आपकी एक्साइटमेंट, आपके अंदर की एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती। तो इसलिए मुझे इन सारी चीजों पर बड़ा बिलीव है और बड़ा इंटरेस्ट है। अब आप बताएं कि ये चीजें देखकर आपको क्या लगा। मैम बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। एंजल्स को कैंडल्स बहुत पसंद होती है, बिकॉज हम भी जब एंजल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो कैंडल्स भी जलाते हैं, और फैदर मिलना और भी ऐसी जगह पर बिल्कुल डेफिनेटली एक एंजल का एक इशारा है आपकी तरफ। और मैं आज देख पा रहा हूँ, पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और जो मैं देख पा रहा हूँ आपका ऑरा बहुत बड़ा है इस समय, और आपका थ्रोट चक्रा 100% खुला होगा, बिकॉज जिस स्पीड से आपने बोला, जिस एनर्जी से आपने बोला, वो एनर्जी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। बहुत कम लोगों में ऐसी एनर्जी देखने को मिलती है। पूरा आपने फ्लेम बोला और बहुत बिना कहीं हम्बल मतलब पुराने एक्सपीरियंस में आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, और ये कोर्स हमारा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिकॉज ऑफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले इन्होंने किया हुआ था ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन का जमाना होता था, ऑफलाइन करते थे, पीडीएफ नहीं मिला करती थी, मिला करती तो वो बुक्स मिला करती थी। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है कि मुझे व्हाट्सएप पे, लेकिन पीडीएफ नहीं मिला, और मैं सबसे ज्यादा लेट पीडीएफ, भैया ने कहा था पीडीएफ देना होगा, तो मैं इतनी परेशान हुई आप लोगों को सच में बताऊं इसका पीडीएफ तैयार करने में, कि मैं हताश हो रही थी कि भैया मुझे नहीं करना, बहुत समय हो गया। मैंने बोला भी था भैया मेरे से नहीं हो रहा, मैं दुकान पे बैठूंगी और करूंगी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो भैया ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं मैं रुकता हूँ, आप तैयार कर लो, नहीं तो मैं तो बोलती थी अब मुझे नहीं करना, इतना परेशान हुई मैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए थे, पीडीएफ था नहीं मेरे पास, फिर मेरा दिमाग में था, तो फिर मैंने कैसे कैसे आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार की, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। तो भैया के मोटिवेशन से आ जाऊँ, तो मैं तो कह रही थी कि मुझे नहीं करना, मैं अपना ऐसे ही कर लूंगी, मुझे पीडीएफ नहीं देना भैया, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं आ रही, क्योंकि आपको तो पीडीएफ चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। तो पता नहीं यूनिवर्स कराना चाह रहा था, इसलिए पीडीएफ भी तैयार हो गए और हम फिर यहाँ है। नहीं मैं दाद देना चाहूंगा कि आपने रिटर्न करके लिखा उसको, उस पूरे एक्सपीरियंस को, फिर आपने कैफे में जाके टाइप कराया, फिर वो पीडीएफ हमारे पास आया, तो इससे टाइम लगा। बहुत बढ़िया पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, सारे जो हमारे ऑयल बनेंगे सेवन चक्र पूरा डिटेल में है, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये 5 दिन का जो कोर्स है, 5 दिन की जर्नी है हमारी, और बहुत सक्सेस होने वाली है, बिकॉज अभी भी लोग देखो 50 से ऊपर लोग लगे हुए हैं, रुके हुए हैं, इतनी देर तक इस वेबिनार में रुकना एक इसका मतलब है कुछ इतना कुछ खिंचाव है, जोश है इस वेबिनार के अंदर, जो आप लोगों को अभी तक रोके हुआ है, अदरवाइज आधे लोग तो निकल जाते हैं। सर ये जोश आप लेके आते हो? नहीं निशा जी, हम कहाँ लाते हैं, ये जोश आप लोगों के द्वारा दिया गया है। अध्यात्मराज ने इतनी जल्दी ग्रो किया बिकॉज हम लोगों के कारण ही, हमारी जो टीचर्स हैं, और मैं हर वेबिनार में कहता हूँ, जब भी मेरी कोई नई टीचर आती है हमारे साथ में, और मैं ब्लेस्ड हूँ, और देवी माँ की कृपा है कि सारी फीमेल्स ही आ रही हैं, मैं किसी मेल से कोई मेल आया मेरे पास, और वो भी कहा कि हमें भी अध्यात्मराज के प्लेटफॉर्म पे करना है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, सारी फीमेल्स आ रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आज अष्टलक्ष्मी होगी सर जी, क्या कह रहे हैं, अष्टलक्ष्मी होगी अपने पास, अष्टलक्ष्मी? हाँ सर, नहीं अभी नहीं हुई है, 7 लक्ष्मी हो चुकी है, श्री यंत्र ट्वेल करिएगा ना सर, आप अष्टलक्ष्मी उसमें आ जाएगी, श्री यंत्र के साथ जब प्ले करोगे तो अष्टलक्ष्मी आ जाएगी। हेलो, वन क्वेश्चन प्लीज, हेलो वन क्वेश्चन जी बताइए। हाँ, एक जी ऑयल्स का रहता है, ऑयल्स का उसमें काफी वैसे मटेरियल्स होते हैं जो अवेलेबल इजीली मार्केट में नहीं होते, तो इसकी अवेलेबिलिटी के लिए आप क्या कहते हैं? हाँ सर, देखिए कुछ चीजें तो जो इंडिया में है वो तो आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो नहीं मिलेंगी तो ऐसा नहीं कि वो आप नहीं डालोगे तो ऑयल नहीं बनेगा, तो उसको स्किप कर देंगे, उसकी जगह हम कुछ और यूज करेंगे, जो हमारे इंडिया में मिलता है हम उसी को लेके नहीं बैठ सकते। अभी प्रॉस्पेरिटी, मनी को अट्रैक्ट करने वाली और भी चीजें हैं, वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो अमेरिका में होती है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए वो तो मानते हैं, बिलीव उसका है,
तो हम यहाँ पर अपनी दूसरी चीजें यूज कर लेंगे, और एक चीज यदि नहीं भी मिलती है तो बाकी चीजें पांच तो अपने पास है ना, तो एनर्जी तो बन रही है, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप फोटो फोटो में ड्राएंगे, फोटो फोटो ऐसे ऐसे ऑयल लेंगे, ऐसी जड़ी बूटी जो हमने सुनी नहीं है, वो इतनी कॉस्टली होगी कि आप ले भी नहीं पाओगे, तो हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं कि वो एनर्जी है तो ये भी एनर्जी, तो उसके बदले हम इसको उस ऑयल्स में डाल देते हैं, क्योंकि वो हुडू हुडू के ऑयल्स और कॉस्टली वो चीजें होती है। आप तो निश्चिंत रहिए, बस अपने दिमाग में आने दीजिएगा कि ये मिसिंग हो गया, मेरा ऑयल पावरफुल बनेगा कि नहीं। उससे पावरफुल अपने विचार और फुल मून की एनर्जी हम उसमें डालेंगे, तो उससे पावरफुल हमारा ऑयल बन जाएगा, ठीक है ना। ओके मैम, आई हैड अ क्वेश्चन इफ आई मे आस्क, दिस इज बियॉन्ड द एकेडमिक्स, आई मीन बियॉन्ड आपके कोर्स के बियॉन्ड है। माय सिस्टर कल घर पे उसने वॉशिंग में दे दिया, तो ज्योत के इन द लैम्प द लाइट इट वाज अ टी लाइट लैम्प, टी लाइट कैंडल में से कैंडल के अंदर देयर वाज अ रेड फॉर्मेशन इन बिटवीन द फ्लेम। Can I show you the picture if you would allow me a share screen right now? Sure, ma'am. Sure, you can. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए ना, करिए, बहुत अच्छी बात है। Thank you. कोई भी ऐसी चीज आप करो ना, तो एक बार फोटो जरूर लीजिए, हो सकता कुछ हमें ऐसी चीज दिख जाए जिस पे हमारा फोकस नहीं गया, बाद में उसको देखा जरूर करिए आप, इससे हमको नॉलेज बढ़ता है, हमारा डिफरेंस दिखता है। जैसे मैंने किया, बस ऐसे शौक से कर दिया, तो लेकिन मुझे चीजें दिख गई उसमें। So you will have to allow me to share. Disabled है participant screen sharing. जब तक शेयर होता है मैम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इस जर्नी को आगे रखते हैं। और ये कोर्स हमारा 1 तारीख से होने वाला है, 1 तारीख से टाइमिंग का हम थोड़ा सा देख लेंगे, 8 बजे के आसपास रखेंगे। और फीस का जैसा भी एनर्जी एक्सचेंज है, ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है, काफी सारे लोगों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर चुका है, 1, 2, 3, 4 हमारी फिगर थोड़ी सी अटपटी जरूर लगेगी आपको, लेकिन कोई ना कोई मीनिंग होता है हर चीज का ना। 1, 2, 3, 4 ये 1234 ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। मैं अभी एक नंबर शेयर करता हूँ मैम के बाद, और वो शेयर करके आप नंबर नोट कर लीजिए, उस पर सारे को डिटेल दे रखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप उसका, और आप उसको फिर मेरे ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप में के अंदर, ठीक है। मैम शेयर कर रहे हैं आप? यस सर, वो थोड़ा व्हाट्सएप पे है, सो दैट इज जस्ट लोडिंग। ओके ओके मैडम, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो वो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। हाँ मैम, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत एनर्जेटिकली बहुत अच्छे से बताते हो चीजें। रियली सर ने जो बोला कि आपका ओरा सचमुच में बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बेटा ये रिकी ग्रैंड मास्टर है, बहुत अच्छे डीलर भी हैं, और इनका चक्रास मैं देख पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ, पूरे ओपन है। और बहुत एनर्जी है मैम, जब भी आपने आई एम आस्किंग फॉर परिमासीन हो गई कल। कल क्या हुआ मैम, मेरे साथ में एक ऐसे एंजल वाला मतलब एक क्लास होने वाला था, तो मैं उसको अटेंड करने वाली थी, तो उससे पहले मैं जस्ट वॉशरूम गई, तो मैंने बाथरूम में मैंने एक ना फेदर देखा, तो मैंने मेरा ध्यान उस वक्त एकदम से नहीं गया, फिर मैं आई क्लास मैंने अटेंड की, और जब मैं मेडिटेशन वगैरह कर रही थी तो तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैंने तो फेदर देखा था रात को उधर बाथरूम में, फिर मैं सुबह उठ के देख रही थी, नहीं था आज नहीं था वहां पर। ग्रुप में आप जुड़े हो तो ग्रुप में आप शेयर करिएगा आपके कोर्स के बारे में डिटेल के लिए, आप बने रहिएगा जरा। यस सर। Hello. Can I ask a question? Hello. बोलिए।
What do you need? Give our help. One second. I just shared these pictures. Mail them if you want to use it. Organizing messages. It's going. Hello. Can I ask a question, madam? हाँ बोलिए मैडम. ये प्रोग्राम कितना दिन तक चलेगा, ये ज्वाइन होता है क्लास पे? क्या ये कोर्स हमारा? हाँ मैडम. फाइव डेज. ओके. फर्स्ट डे फाइव. ओके मैडम. गिव अ मेल इट. मेल इट टू योरसेल्फ और ओपन मेल. मैडम आई हैव अ रिक्वेस्ट. क्या? मेल इट टू ऑल योर आईडीज क्विक. हेलो. हेलो. यस सर. मैडम योर एनर्जी लेवल इज सो हाई. अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे. आप यदि त्याग कर सकते हैं ना तो आपकी एनर्जी हाई होगी. यदि आप नींद का त्याग करके 4 बजे उठ के मेडिटेशन करेंगे, एनर्जी हाई. यदि आप खाने का त्याग करके, जैसे रोटी चावल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमने वो बंद कर दिया, मैं दलिया पे हूँ, फर्मेंटेड दलिया, एनर्जी बढ़ा रहे, तो सब मिलेगा. ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नंबर लिखा हुआ है, पेमेंट नंबर भी लिखा हुआ है, और बाकी नीचे ज्वाइन अस विद व्हाट्सएप 920 वाला नंबर मेरा है, राज शर्मा नाम है. आप इसको नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके हमारे जो जनरल ग्रुप्स हैं, रेगुलर ग्रुप, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीन शॉट मुझे भेज सकते हैं. तो कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 1, 2, 3, 4 ओनली, और ड्यूरेशन हमारे 5 डेज का होगा. सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड एंड आपको इसके साथ में 5 डेज का जो PDF होगा, पूरा फुल एक PDF होगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आपको मिलेगा, और प्लस जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी हमारे 5 दिन की वो आपको मिलेंगी. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं इसका. हाँ सर. मैडम अभी लाइन पे हैं? जी सर. मैडम दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हैव ग्रेट एनर्जी. आई हैव रिक्वेस्ट आल्सो टू मैच विथ योर एनर्जी. I request you to speak little in slower mode so that I can understand. I'm from Bangalore, South India. So understanding Hindi is not difficult, but when you speak very fast, this one, no? So, okay, sir. Okay, don't worry. My suggestion, don't feel it anyway. Okay. ऐसा ही देना है जो आपको समझ में आए. मैं अपने हिसाब से नहीं, आप लोग के हिसाब से उसको मैनेज करूंगी. अभी तो है, मैंने अपने हिसाब से दिया, और जब हम क्लास में मिलेंगे तो आप बताएंगे कि कौन सी चीज कम्फर्टेबल है. एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. ऑलरेडी आपका हाई था तो इसलिए थोड़ा सा आप ज्यादा हो गए, लेकिन क्लास में मुझे हम लोग आपको बता सकते हैं. सर माइंड में यह था कि एक घंटे की क्लास है और 1 घंटे में हमें बहुत कुछ बताना है, तो ये भी दिमाग में था, तो थोड़ा जल्दी ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, तो थोड़ा सा मैडम ने शेयर कर दिया है. Yes, sir. So you can see. So that red portion is high. किस चीज के लिए आपने, किस intention से जलाई थी इसको? Sir, ma'am, ये मेरी sister ने की थी, but she just does it every day. हम लोग रोज evening पे करते हैं, so that time she had done it. अच्छा, हो सकता है उस समय उन्होंने ये burn किया, वहाँ की energy कुछ अच्छी ना हो, या कोई intention डाला हो, या कुछ भी, या कहते हैं कि उनसे संबंधित कोई blockages रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्लेम है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये चल नहीं पा रही है. देखो ना, बुझने की कगार पे उसके अंदर जो इकट्ठा हो चुका है ना ब्लैक एनर्जीज, तो ये कैंडिडेट क्या कर रही है, अच्छे से बर्न नहीं हो पा रही. तो कुछ ब्लॉकेजेस लाइफ में है जो रिलीज होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो नहीं पा रहे हैं. देखिए अग्नि कितनी स्लो है, बस ऐसा लग रहा है कि अब्बू जी इसको अच्छे से जलना चाहिए. मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पा रही है, अगर इसको बर्न नहीं कर रही है. तो उस पे क्या है, जब हम रेगुलर करेंगे तो ये धीरे धीरे हटती जाएगी. ओके मैम. हाँ थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा रीडिंग है मैडम. ऐसे ही हम ना फ्लेम को देख के ना जज करते हैं कि हमने जो बर्न की है या जलाई है उसमें हीलिंग फास्ट जा रही है, इस कप्ती में कितने ब्लॉकेजेस हैं, कोई निगेटिव एनर्जीज तो नहीं है. यदि इसमें जलने में चिट 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 जैसे हम
कोई छोटी सी चीज चलाते हैं ना अपनी दीपावली के दिन चिट 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 आवाज आती है, वो भी आ रही है ना, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी हाई थी, वो बर्न हो रही है, इसलिए आवाज तक आपको समझ में आएगी। और ब्लैक धुआं निकलता है कभी कभी कुछ कैंडल्स में, बहुत ब्लैक धुआं, इसका मतलब बहुत हाई नेगेटिविटी है उस बंदे में, वो बर्न हो रही है, तो काफी कुछ समझ आता है इन चीजों से। चलिए थैंक यू मैम। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज अब टाइम हो चला है और टाइम काफी हो गया है, ये रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा कन्वर्ट होने के, कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे अभी मेरे को यहाँ पे। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन किसी का हैंड रेज हो रहा है? यदि कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो कोई माइंड में रखने वाली बात नहीं है, आप उसको ग्रुप में मैसेज छोड़िए कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद आता है तो आप ग्रुप में लिखिएगा। मैम मेरा क्वेश्चन, हेलो हेलो, हाँ जी मैम सुन पा रहे हैं? हेलो शिखा मैडम, गुड इवनिंग। मैं ये एक प्रश्न मेरे मन में है और वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे कहा कि किसी ने कहा कि ऑल्टर या वो स्थान जहाँ पर हम ये रिचुअल्स करें वो हम कहाँ बनाए, तो आपने बेडरूम कहा था। मे बी जैसा कि मैंने अब तक जाना है कि बेडरूम वो जगह होती है जहाँ हम सोते हैं, तो हम उस स्थान पर ऐसे कार्य को अगर संपन्न करते हैं तो वो उसमें व्यवधान हो सकता है किसी के विश्राम करने से या हमारे 4 बजे सुबह उठकर मतलब करने से, तो इसको या तो पूजा स्थल जो आप मतलब भगवान जी का घर या उसके नजदीक में रखना ज्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां तो अति पवित्र स्थान घर का होता है वास्तु के अनुसार भी, और चूंकि वहां ईश्वर का निवास ही माना जाता है पूरे घर में, तो यहाँ पर ये करना शायद ज्यादा उचित होगा। क्या मैं सही हूँ? अब मैम कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके पास पर्टिकुलर जगह नहीं है, अब जैसे ईश्वर का स्थान भी है तो वहां पर यदि वो नहीं बनाना चाहते कि कोई उस घर में मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो वे पर्टिकुलर आप फ्री है, आपको बेडरूम में बनाना एक कॉर्नर बना लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं एज अ जैसे कॉर्नर बनाया उसको डेकोरेट करते हैं, वहां पर अल्टर बनाते हैं, मतलब अल्टर नहीं भी बना रहे तो कैंडल्स को बर्न करने का स्थान बना लेते हैं कि मैं यही विश बोलूंगा, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि हाँ आप भगवान वाली जगह पर मतलब भगवान का मंदिर अलग है तो ये अल्टर आपको एक अलग व्यवस्थित करता है, ये अलग अलग है, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। हाँ लेकिन वो कंबाइन है तो वो रूम यूज कर सकते हैं आप, है ना, आप बेडरूम ये भी आपकी सही, आप उठ के करोगे डिस्टर्बेंस होगा तो आप नहीं चूज करें, लेकिन कोई जगह नहीं है और आप लगता है आपको तो आप बेडरूम भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा। अच्छा, और जी थैंक यू। और इसकी कोई विशेष दिशा बेडरूम के लिए कि ब्लैक कैंडल से आपको बर्न करना, मैं बता भी चुकी हूँ कि आप खुले में करिए बाहर। हाँ हाँ आपने कहा था, थैंक यू। बेडरूम में वो बना है। अच्छा, और इसका कोई एक विशेष कोई दिशा होती है क्या इस स्थान को? हाँ मैं मैंने बताया ना कि हर चीज की दिशा होती है, कहाँ क्या करना है कोई चीज के लिए, तो वो हम डिटेल्स में क्लासेस में देखेंगे उसको पर्टिकुलर दिशा क्या है। ओके थैंक यू। मैंने बेडरूम में इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे बेडरूम में क्योंकि वहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, इसलिए मैंने पूछा था। आप यदि कंफर्ट हो और आपकी वजह से कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, आप कंफर्ट हो तो बिल्कुल करिए, ब्लैक को छोड़ के आप रिचुअल्स करिए। हाँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जब मैं सोऊंगी तो? ठीक है मैम, मेरा भी सोने की प्रॉब्लम है, कैंडल्स जल रही है तो रोशनी आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आपको थोड़ी सी लाइट से दिक्कत नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं। मैंने भी कैंडल जलाई है अपने बेडरूम में, जलाई है मैंने भी। हाँ तो बस यदि आपको रोशनी से दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम वाटर तो रखेंगे, जो भी चीज अगर निकलेगी तो वो सब वाटर में ही जाएगी आपके आस पास, तो जाने से रही तो कोई इशू नहीं है, ब्लैक को छोड़ के हम सब कुछ कर सकते हैं यदि आपके पास कंफर्टेबल जगह है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कंफर्ट होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्लेस आप चूज कर लीजिए, है ना। ओके मैम, क्योंकि मैं मेडिटेशन बोल रही हूं। अर्चना जी आपका हैंड रेज हो रहा है, अर्चना जी बोलिए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि एसेंशियल ऑयल किस तरह से काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी जड़ी बूटी होती है, हर्ब्स होती है। देखो एक हर्ब्स की क्वालिटीज अलग है, दूसरे हर्ब्स की अलग है, तीसरे की अलग है। जैसे हम इंसान है, मेरे अंदर अलग क्वालिटीज होगी, मेरा अलग चक्र एक्टिव होगा, राज सर का अलग चक्र एक्टिव है, किसी तीसरे आपका अलग चक्र एक्टिव होगा, आपके अंदर अलग क्वालिटीज है, गॉड गिफ्टेड चीज है। उसी तरीके से एनिमल्स भी, उसी तरीके से फ्रूट्स भी, उसी तरीके से हर्ब्स भी। तो अलग अलग हर्ब्स को जब मिक्स करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इतनी है तो इतनी बन जाती है, वो सारी एनर्जी
एसेंशियल ऑयल्स के रूप में ऑयल्स में आ जाती है ना, पांच छह पांच प्रकार की चीजें मिक्स करके, तो पांच छह प्रकार की पावर्स इस ऑयल्स में आ गई। जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी एनर्जी आपकी कैंडल्स में भी जाएगी ना, और कैंडल्स में जब बर्न होगी तो ये इंटेंशन के साथ इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, यूनिवर्स में। इसलिए एसेंशियल ऑयल पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। ये भी अच्छे होने चाहिए ना कि कैसा भी होगा कहीं के भी ले लिए और प्योर है कि नहीं, पूरे हर्बल होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी मैम, चलना चाहिए बिकॉज टाइम ज्यादा हो गया। ये सारा आज का जो भी वीडियो है हमारा कल यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग अब क्लास में लेंगे, आप क्लास में आप फ्री हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर मेरे को ऐड कर देना आप क्लास में, मैं आपको जरूर ऐड करूंगा, आप तो परमानेंट हमारे स्टूडेंट हैं हमारे अध्यापक क्लास के। अब से स्टार्ट है सर क्लास, 1 तारीख से होगी हमारी। सर मुझे भी ऐड कर दीजिएगा जी, आप मुझे व्हाट्सएप करो सारे ना, स्क्रीनशॉट भेजते रहो, मैं सबको ऐड करता रहूंगा अभी। सर हेमा 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 नहीं सर, पैसे भी दे देंगे सर, आप ऐड कर दो हमें। अरे निशानी आपकी तो बात ही निराली है बिल्कुल, आप बहुत प्यारे हो, एनर्जेटिक हो आप भी, और हर कोर्स करते हो हमारे साथ में, इतना ज्ञान लेके देखो, ये जज्बा होना चाहिए नॉलेज लेने ज्ञान लेने का। हमारे साथ 80-80 साल के लोग सारे कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 70 मोर देन 70 ईयर्स हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम अस। तो मजा आता है ऐसे लोगों के एंथुसियाज्म को देख के, उनके उनके जोश को देख के बड़ा मजा आता है, और हमें भी फील होता है कि हम भी यंग हो गए, ठीक है ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल आपको सर, थैंक यू मैडम। कल मिलते हैं और यूट्यूब पे मिलते हैं, यूट्यूब पे कल मैं और आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।